हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है नानीज गैंग लीडर। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। नानीज गैंग लीडर 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। विक्रम कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित, मैत्री फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्मित। फिल्म में नानी, कार्तिक क्याम, प्रियंका, अरुल मोहन, लक्ष्मी, शरण्यम, पुनवानन, श्रीयाम रेड्डी और प्राण पी है राव। संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा रचित है। इस फिल्म में 5 महिलाएं अपने प्रियजनों की मौत का बदला लेने के लिए एक अपराध उपन्यासकार की मदद लेती है। फिल्म को 13 सितंबर 2019 को जारी किया गया था, जिसे 30 अगस्त 2019 को पूर्व निर्धारित रिलीज की तारीख से पीछे ढकेल दिया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पेंसिल पार्थ सारथी के रूप में हैं नानी और देव के रूप में हैं कार्तिकेया। प्रियंका अरुल मोहन के रूप में हैं प्रिया और सरस्वती के रूप में लक्ष्मी। वहीं वरलक्ष्मी के रूप में शरण्या पुनवानन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में तो 6 व्यक्तियों ने सफलतापूर्वक की गई कीमत एक बैंक डकैत पूरी की, जिसके बाद एक डाकू बाकी 5 को मारता है और पैसे से भाग जाता है। 5 शोकसंत महिलाएं सरस्वती जिन्होंने अपने पोते को खो दिया, वरलक्ष्मी जिसने अपने बेटे को खो दिया, प्रियम जिसने अपने मंगेतर अविनाश को खो दिया था, स्वाति जिसने अपने बड़े भाई को खो दिया, और श्रीनिधि जो अपने पिता को खोने के झटके के कारण मूक बन गई। उन्हें अपने प्रियजनों का बदला लेने के लिए सरस्वती द्वारा एक साथ लाया जाता है। पेंसिल पार्थ सारथी एक छोटा समय अपराध उपन्यासकार जो अमेरिकी फिल्म देखता है और स्थानीय तेलुगु उपन्यास में अपने भूखंडों को फिर से लिखता है। उसको 5 महिलाओं द्वारा अपराधी को ट्रैक करने की उम्मीद से संपर्क किया जाता है। पेंसिल शुरू में मना कर देता है, लेकिन एक अच्छा और शायद पहली मूल कहानी को संवेदना उनकी मदद करने के लिए सहमत है। रेंगटेक समूह जो अंततः खुद को रिवेंग्स के रूप में नामित करता है, एक मुख्य संदिग्ध पर संकीर्ण देव है। देव एक एम्बुलेंस ड्राइवर है जो एक F1 रेसर है जो अब भारत में नई सनसनी है। स्पोर्ट्स बाइक खरीदने के लिए देव ने अपने पिता को मार डाला और बीमा प्राप्त किया। उन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में अपने पिता की नौकरी भी ली। एक दिन अस्पताल में वह 5 कैंसर रोगियों के एक समूह में शामिल हो गए जो मरने से पहले अपने प्रियजनों के लिए पैसे बचाने के लिए एक डकैती की योजना बना रहे थे। बाद में वह 5 को मारता है और पैसे चुराता है और एक सफल रेस ड्राइवर बनने के अपने जुनून का पालन करता है। रिवेंजर्स ने उसे न्याय दिलाने के लिए उसके खिलाफ साजिश की। वे विवेक से उसका अनुसरण करते हैं और निर्मात इमारत में मनी को पाते हैं। देव को पता चलता है कि
उसके पीछे एक गिरोह है और पैसे भी चुरा लेते हैं। वह पेंसिल की पहचान को कम कर देता है और डकैती के बारे में पुलिस को भी सुझाव देता है, और इसमें पेंसिल के विवरण भी है। पेंसिल सफलतापूर्वक पैसे को स्थानांतरित कर देता है, इससे पहले कि पुलिस ने उसकी जगह पर छापा मारा। हालांकि उनके सदमे में उन्होंने कहा कि पैसे सरस्वती द्वारा चुराया गया था, जो बताता है कि उनके पति, जो बैंक के पास एक बुक स्टोर पर काम कर रहे थे, वे डकैती के रात को देव द्वारा मार दिए गए थे। उसने गैंग को विश्वास दिलाया कि उसके पोते की मृत्यु हो गई ताकि वह अपने प्रतिशोध को उचित बना सके। इसने पेंसिल के साथ से पैसे चुराए और इसे अनाथालय के विकास के लिए दान कर दिया, और पेंसिल को प्रतिशोध को छोड़ने के अपने फैसले के बारे में बताता है। पीछा करने के दौरान चीनू की चोट के बाद पेंसिल अपने एक नए परिवार की रक्षा करने के लिए बाद के गैरेज में देव को मारता है और इसे कार दुर्घटना के रूप में फ्रेम करता है। जब वह घर लौटता है तो अपने आश्चर्य के लिए गिरोह देव को अपने बदला लेने के लिए मारने की योजना को छोड़ देता है। प्रिया अपने मंगेतर से आगे बढ़ने का फैसला करती है, और जब उसे पता चलता है कि पेंसिल ने देव को मार डाला तो उसे प्रकट नहीं करने का फैसला करता है। प्रिया और पेंसिल की शादी हो जाती है, जहां पेंसिल ने अपने अनुभव को संलग्न करते हुए गैंग लीडर को सफलतापूर्वक प्रकाशित किया। सुकुमार अपने उपन्यास के आधार पर एक फिल्म बनाने के लिए कॉपीराइट के लिए पेंसिल से मिलता है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो फिल्म 13 सितंबर 2019 को जारी की गई थी, जिसे 30 अगस्त 2019 को पूर्व निर्धारित रिलीज की तारीख से पीछे ढकेल दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है नानीज गैंग लीडर। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। नानीज गैंग लीडर 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। विक्रम कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित, मैत्री फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्मित फिल्म में नानी, कार्तिकेयन, प्रियंका, अरुल मोहन, लक्ष्मी, शरण्यम, पूर्णानंद, श्रीराम रेड्डी और प्राण पी है राव। संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा रचित है। इस फिल्म में 5 महिलाएं अपने प्रियजनों की मौत का बदला लेने के लिए एक अपराध उपन्यासकार की मदद लेती है। फिल्म को 13 सितंबर 2019 को जारी किया गया था, जिसे 30 अगस्त 2019 को पूर्व निर्धारित रिलीज की तारीख से पीछे ढकेल दिया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो पेंसिल पार्थ सारथी के रूप में हैं नानी, और देव के रूप में हैं कार्तिकेया, प्रियंका अरुल मोहन के रूप में हैं प्रिया, और सरस्वती के रूप में लक्ष्मी। वही वरलक्ष्मी के रूप में शरण्या, पूर्णानंद हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में, तो 6 व्यक्तियों ने सफलतापूर्वक की गई कीमत एक बैंक डकैत पूरी की, जिसके बाद एक डाकू बाकी 5 को मारता है और पैसे से भाग जाता है। 5 शोकसंत महिलाएं सरस्वती, जिन्होंने अपने पोते को खो दिया,
वर लक्ष्मी जिसने अपने बेटे को खो दिया, प्रियम जिसने अपने मंगेतर अविनाश को खो दिया था, स्वाति जिसने अपने बड़े भाई को खो दिया, और श्रीनिधि जो अपने पिता को खोने के झटके के कारण मूक बन गई। उन्हें अपने प्रियजनों का बदला लेने के लिए सरस्वती द्वारा एक साथ लाया जाता है। पेंसिल पार्थसारथी एक छोटा समय अपराध उपन्यासकार जो अमेरिकी फिल्म देखता है और स्थानीय तेलुगु उपन्यास में अपने भूखंडों को फिर से लिखता है। उसको पांच महिलाओं द्वारा अपराधी को ट्रैक करने की उम्मीद से संपर्क किया जाता है। पेंसिल शुरू में मना कर देता है, लेकिन एक अच्छा और शायद पहली मूल कहानी को संवेदना उनकी मदद करने के लिए सहमत है। रैंगटेक समूह जो अंततः खुद को रिवेंज के रूप में नामित करता है, एक मुख्य संदिग्ध पर संकीर्ण देव है। देव एक एम्बुलेंस ड्राइवर है जो एक F1 रेसर है जो अब भारत में नई सनसनी है। स्पोर्ट्स बाइक खरीदने के लिए देव ने अपने पिता को मार डाला और बीमा प्राप्त किया। उन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में अपने पिता की नौकरी भी ली। एक दिन अस्पताल में वह पांच कैंसर रोगियों के एक समूह में शामिल हो गए जो मरने से पहले अपने प्रियजनों के लिए पैसे बचाने के लिए एक डकैती की योजना बना रहे थे। बाद में वह पांचों को मारता है और पैसे चुराता है और एक सफल रेस ड्राइवर बनने के अपने जुनून का पालन करता है। रिवेंजर्स ने उसे न्याय दिलाने के लिए उसके खिलाफ साजिश की। वे विवेक से उसका अनुसरण करते हैं और निर्मात इमारत में मनी को पाते हैं। देव को पता चलता है कि उसके पीछे एक गिरोह है और पैसे भी चुरा लेते हैं। वह पेंसिल की पहचान को कम कर देता है और डकैती के बारे में पुलिस को भी सुझाव देता है, और इसमें पेंसिल के विवरण भी है। पेंसिल सफलतापूर्वक पैसे को स्थानांतरित कर देता है इससे पहले कि पुलिस ने उसकी जगह पर छापा मारा। हालांकि उनके सदमे में उन्होंने कहा कि पैसे सरस्वती द्वारा चुराया गया था, जो बताता है कि उनके पति जो बैंक के पास एक बुक स्टोर पर काम कर रहे थे, वे डकैती के रात को देव द्वारा मार दिए गए थे। उसने गैंग को विश्वास दिलाया कि उसके पोते की मृत्यु हो गई ताकि वह अपने प्रतिशोध को उचित बना सके। इसने पेंसिल के साथ से पैसे चुराए और इसे अनाथालय के विकास के लिए दान कर दिया और पेंसिल को प्रतिशोध को छोड़ने के अपने फैसले के बारे में बताता है। पीछा करने के दौरान चीनू की चोट के बाद पेंसिल अपने एक नए परिवार की रक्षा करने के लिए बाद के गैरेज में देव को मारता है और इसे कार दुर्घटना के रूप में फ्रेम करता है। जब वह घर लौटता है तो अपने आश्चर्य के लिए गिरोह देव को अपने बदला लेने के लिए मारने की योजना को छोड़ देता है। प्रिया अपने मंगेतर से आगे बढ़ने का फैसला करते हैं और जब उसे पता चलता है कि पेंसिल ने देव को मार डाला तो उसे प्रकट नहीं करने का फैसला करता है। प्रिया और पेंसिल की शादी हो जाती है, जहां पेंसिल ने अपने अनुभव को
संलग्न करते हुए गैंग लीडर को सफलतापूर्वक प्रकाशित किया। सुकुमार अपने उपन्यास के आधार पर एक फिल्म बनाने के लिए कॉपीराइट के लिए पिंसिल से मिलता है। मूवी बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो फिल्म 13 सितंबर 2019 को जारी की गई थी, जिसे 30 अगस्त 2019 को पूर्व निर्धारित रिलीज की तारीख से पीछे ढकेल दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिकॉर्डिंग बात करने वाले हैं, उसका नाम है नानीज गैंग लीडर। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। नानीज गैंग लीडर 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। विक्रम कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित, मैत्री फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्मित फिल्म में नानी, कार्तिकेयन, प्रियंका, अरुल मोहन, लक्ष्मी, शरण्यम, पूनमानंद, श्रीराम रेड्डी और प्राण पी है राव। संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा रचित है। इस फिल्म में 5 महिलाएं अपने प्रियजनों की मौत का बदला लेने के लिए एक अपराध उपन्यासकार की मदद लेती है। फिल्म को 13 सितंबर 2019 को जारी किया गया था, जिसे 30 अगस्त 2019 को पूर्व निर्धारित रिलीज की तारीख से पीछे ढकेल दिया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो पेंसिल पार्थसारथी के रूप में हैं नानी और देव के रूप में हैं कार्तिकेया, प्रियंका और अरुल मोहन के रूप में हैं प्रिया और सरस्वती के रूप में लक्ष्मी, वही वरलक्ष्मी के रूप में शरण्या, पूनवानंद हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में, तो 6 व्यक्तियों ने सफलतापूर्वक की गई कीमत एक बैंक डकैत पूरी की, जिसके बाद एक डाकू बाकी 5 को मारता है और पैसे से भाग जाता है। 5 शोकसंत महिलाएं, सरस्वती जिन्होंने अपने पोते को खो दिया, वरलक्ष्मी जिसने अपने बेटे को खो दिया, प्रियम जिसने अपने मंगेतर अविनाश को खो दिया था, स्वाति जिसने अपने बड़े भाई को खो दिया, वो श्रीनिधि जो अपने पिता को खोने के झटके के कारण मूक बन गई। उन्हें अपने प्रियजनों का बदला लेने के लिए सरस्वती द्वारा एक साथ लाया जाता है। पेंसिल पार्थसारथी एक छोटा समय अपराध उपन्यासकार जो अमेरिकी फिल्म देखता है और स्थानीय तेलुगु उपन्यास में अपने भूखंडों को फिर से लिखता है। उसको 5 महिलाओं द्वारा अपराधी को ट्रैक करने की उम्मीद से संपर्क किया जाता है। पेंसिल शुरू में मना कर देता है, लेकिन एक अच्छा और शायद पहली मूल कहानी को संवेदना उनकी मदद करने के लिए सहमत है। रेंगटेक समूह जो अंततः खुद को रिवेंज के रूप में नामित करता है, एक मुख्य संदिग्ध पर संकीर्ण देव है। देव एक एम्बुलेंस ड्राइवर है जो एक F1 रेसर है, जो अब भारत में नई सनसनी है। स्पोर्ट्स बाइक खरीदने के लिए देव ने अपने पिता को मार डाला और बीमा प्राप्त किया। उन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में अपने पिता की नौकरी भी ली। एक दिन अस्पताल में वह 5 कैंसर रोगियों के एक समूह में शामिल हो गए, जो मरने से पहले अपने प्रियजनों के लिए
पैसे बचाने के लिए एक डकैती की योजना बना रहे थे। बाद में वह पांचों को मारता है और पैसे चुराता है और एक सफल रेस ड्राइवर बनने के अपने जुनून का पालन करता है। रिवेंजर्स ने उसे न्याय दिलाने के लिए उसके खिलाफ साजिश की। वे विवेक से उसका अनुसरण करते हैं और निर्मात इमारत में मनी को पाते हैं। देव को पता चलता है कि उसके पीछे एक गिरोह है और पैसे भी चुरा लेते हैं। वह पेंसिल की पहचान को कम कर देता है और डकैती के बारे में पुलिस को भी सुझाव देता है और इसमें पेंसिल के विवरण भी है। पेंसिल सफलतापूर्वक पैसे को स्थानांतरित कर देता है इससे पहले कि पुलिस ने उसकी जगह पर छापा मारा। हालांकि उनके सदमे में उन्होंने कहा कि पैसे सरस्वती द्वारा चुराया गया था, जो बताता है कि उनके पति जो बैंक के पास एक बुक स्टोर पर काम कर रहे थे, वे डकैती के रात को देव द्वारा मार दिए गए थे। उसने गैंग को विश्वास दिलाया कि उसके पोते की मृत्यु हो गई ताकि वह अपने प्रतिशोध को उचित बना सके। इसने पेंसिल के साथ से पैसे चुराए और इसे अनाथालय के विकास के लिए दान कर दिया और पेंसिल को प्रतिशोध को छोड़ने के अपने फैसले के बारे में बताता है। पीछा करने के दौरान चीनू की चोट के बाद पेंसिल अपने एक नए परिवार की रक्षा करने के लिए बाद के गैरेज में देव को मारता है और इसे कार दुर्घटना के रूप में फ्रेम करता है। जब वह घर लौटता है तो अपने आश्चर्य के लिए गिरोह देव को अपने बदला लेने के लिए मारने की योजना को छोड़ देता है। प्रिया अपने मंगेतर से आगे बढ़ने का फैसला करती है और जब उसे पता चलता है कि पेंसिल ने देव को मार डाला तो उसे प्रकट नहीं करने का फैसला करता है। प्रिया और पेंसिल की शादी हो जाती है जहां पेंसिल ने अपने अनुभव को संलग्न करते हुए गैंग लीडर को सफलतापूर्वक प्रकाशित किया। सुकुमार अपने उपन्यास के आधार पर एक फिल्म बनाने के लिए कॉपीराइट के लिए पेंसिल से मिलता है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म 13 सितंबर 2019 को जारी की गई थी, जिसे 30 अगस्त 2019 को पूर्व निर्धारित रिलीज की तारीख से पीछे ढकेल दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है नानीज गैंग लीडर। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। नानीज गैंग लीडर 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। विक्रम कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित, मैत्री फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्मित फिल्म में नानी, कार्तिकेयम, प्रियंका, अरुण मोहन, लक्ष्मी, शरण्यम, पुनवानन, श्रीयाम रेड्डी और प्राण पी है राव। संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा रचित है। इस फिल्म में 5 महिलाएं अपने प्रियजनों की मौत का बदला लेने के लिए एक अपराध उपन्यासकार की मदद लेती है। फिल्म को 13 सितंबर 2019 को जारी किया गया था, जिसे 30 अगस्त 2019 को पूर्व निर्धारित रिलीज की तारीख से पीछे ढकेल दिया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पेंसिल पार्थ सारथी के रूप में है नानी और देव के रूप में है कार्तिकेय।
प्रियंका और उल्मोन के रूप में हैं प्रिया और सरस्वती के रूप में लक्ष्मी। वहीं वरलक्ष्मी के रूप में शरण्या पूर्णवानंद हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में तो छह व्यक्तियों ने सफलतापूर्वक की गई कीमत एक बैंक डकैत पूरी की, जिसके बाद एक डाकू बाकी पांचों को मारता है और पैसे से भाग जाता है। पांच शोकसंत महिलाएं सरस्वती जिन्होंने अपने पोते को खो दिया, वरलक्ष्मी जिसने अपने बेटे को खो दिया, प्रियम जिसने अपने मंगेतर अविनाश को खो दिया था, स्वाति जिसने अपने बड़े भाई को खो दिया, और श्रीनिधि जो अपने पिता को खोने के झटके के कारण मूक बन गई। उन्हें अपने प्रियजनों का बदला लेने के लिए सरस्वती द्वारा एक साथ लाया जाता है। पेंसिल पार्थ सारथी एक छोटा समय अपराध उपन्यासकार जो अमेरिकी फिल्म देखता है और स्थानीय तेलुगु उपन्यास में अपने भूखंडों को फिर से लिखता है। उसको पांच महिलाओं द्वारा अपराधी को ट्रैक करने की उम्मीद से संपर्क किया जाता है। पेंसिल शुरू में मना कर देता है, लेकिन एक अच्छा और शायद पहली मूल कहानी को संवेदना उनकी मदद करने के लिए सहमत है। रैंगटेक समूह जो अंततः खुद को रिवेंज के रूप में नामित करता है एक मुख्य संदिग्ध पर संकीर्ण देव है। देव एक एम्बुलेंस ड्राइवर है जो एक F1 रेसर है जो अब भारत में नई सनसनी है। स्पोर्ट्स बाइक खरीदने के लिए देव ने अपने पिता को मार डाला और बीमा प्राप्त किया। उन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में अपने पिता की नौकरी भी ली। एक दिन अस्पताल में वह पांच कैंसर रोगियों के एक समूह में शामिल हो गए जो मरने से पहले अपने प्रियजनों के लिए पैसे बचाने के लिए एक डकैती की योजना बना रहे थे। बाद में वह पांचों को मारता है और पैसे चुराता है और एक सफल रेस ड्राइवर बनने के अपने जुनून का पालन करता है। रिवेंजर्स ने उसे न्याय दिलाने के लिए उसके खिलाफ साजिश की। वे विवेक से उसका अनुसरण करते हैं और निर्मात इमारत में मनी को पाते हैं। देव को पता चलता है कि उसके पीछे एक गिरोह है और पैसे भी चुरा लेते हैं। वह पेंसिल की पहचान को कम कर देता है और डकैती के बारे में पुलिस को भी सुझाव देता है और इसमें पेंसिल के विवरण भी है। पेंसिल सफलतापूर्वक पैसे को स्थानांतरित कर देता है इससे पहले कि पुलिस ने उसकी जगह पर छापा मारा। हालांकि उनके सदमे में उन्होंने कहा कि पैसे सरस्वती द्वारा चुराया गया था, जो बताता है कि उनके पति जो बैंक के पास एक बुक स्टोर पर काम कर रहे थे वे डकैती के रात को देव द्वारा मार दिए गए थे। उसने गैंग को विश्वास दिलाया कि उसके पोते की मृत्यु हो गई ताकि वह अपने प्रतिशोध को उचित बना सके। इसने पेंसिल के साथ से पैसे चुराए और इसे अनाथालय के विकास के लिए दान कर दिया और पेंसिल को प्रतिशोध को छोड़ने के अपने फैसले के बारे में बताता है। पीछा करने के दौरान चीनू की चोट के बाद पेंसिल अपने एक नए परिवार की रक्षा करने के लिए बाद के गैरेज
में देव को मारता है और इसे कार दुर्घटना के रूप में फ्रेम करता है। जब वह घर लौटता है तो अपने आश्चर्य के लिए गिरोह देव को अपने बदला लेने के लिए मारने की योजना को छोड़ देता है। प्रिया अपने मंगेतर से आगे बढ़ने का फैसला करती है और जब उसे पता चलता है कि पेंसिल ने देव को मार डाला तो उसे प्रकट नहीं करने का फैसला करता है। प्रिया और पेंसिल की शादी हो जाती है, जहां पेंसिल ने अपने अनुभव को संलग्न करते हुए गैंग लीडर को सफलतापूर्वक प्रकाशित किया। सुकुमार अपने उपन्यास के आधार पर एक फिल्म बनाने के लिए कॉपीराइट के लिए पेंसिल से मिलता है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म 13 सितंबर 2019 को जारी की गई थी, जिसे 30 अगस्त 2019 को पूर्व निर्धारित रिलीज की तारीख से पीछे ढकेल दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है नानीज गैंग लीडर। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। नानीज गैंग लीडर 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। विक्रम कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित, मैत्री फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्मित फिल्म में नानी, कार्तिकेयन, प्रियंका, अरुल मोहन, लक्ष्मी, शरण्यम, पूर्णमानंद, श्रीराम रेड्डी और प्राण पी है राव। संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा रचित है। इस फिल्म में 5 महिलाएं अपने प्रियजनों की मौत का बदला लेने के लिए एक अपराध उपन्यासकार की मदद लेती है। फिल्म को 13 सितंबर 2019 को जारी किया गया था, जिसे 30 अगस्त 2019 को पूर्व निर्धारित रिलीज की तारीख से पीछे ढकेल दिया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पेंसिल पार्थ सारथी के रूप में हैं नानी और देव के रूप में हैं कार्तिकेया। प्रियंका अरुल मोहन के रूप में हैं प्रिया और सरस्वती के रूप में लक्ष्मी। वही वरलक्ष्मी के रूप में शरण्या पूर्णवानन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में तो 6 व्यक्तियों ने सफलतापूर्वक की गई कीमत एक बैंक डकैत पूरी की, जिसके बाद एक डाकू बाकी 5 को मारता है और पैसे से भाग जाता है। 5 शोकसंत महिलाएं सरस्वती जिन्होंने अपने पोते को खो दिया, वरलक्ष्मी जिसने अपने बेटे को खो दिया, प्रियम जिसने अपने मंगेतर अविनाश को खो दिया था, स्वाति जिसने अपने बड़े भाई को खो दिया और श्रीनिधि जो अपने पिता को खोने के झटके के कारण मूक बन गई। उन्हें अपने प्रियजनों का बदला लेने के लिए सरस्वती द्वारा एक साथ लाया जाता है। पेंसिल पार्थ सारथी एक छोटा समय अपराध उपन्यासकार जो अमेरिकी फिल्म देखता है और स्थानीय तेलुगु उपन्यास में अपने भूखंडों को फिर से लिखता है। उसको 5 महिलाओं द्वारा अपराधी को ट्रैक करने की उम्मीद से संपर्क किया जाता है। पेंसिल शुरू में मना कर देता है, लेकिन एक अच्छा और शायद पहली मूल कहानी को संवेदना उनकी मदद करने के लिए सहमत है। रैंगटेक समूह जो अंततः खुद को रिवेंज के रूप में नामित करता है एक मुख्य संदिग्ध पर संकीर्ण देव है। देव एक एम्बुलेंस
ड्राइवर है जो एक एफ वन रेसर है जो अब भारत में नई सनसनी है। स्पोर्ट्स बाइक खरीदने के लिए देव ने अपने पिता को मार डाला और बीमा प्राप्त किया। उन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में अपने पिता की नौकरी भी ली। एक दिन अस्पताल में वह 5 कैंसर रोगियों के एक समूह में शामिल हो गए जो मरने से पहले अपने प्रियजनों के लिए पैसे बचाने के लिए एक डकैती की योजना बना रहे थे। बाद में वह 5 को मारता है और पैसे चुराता है और एक सफल रेस ड्राइवर बनने के अपने जुनून का पालन करता है। रिवेंजर्स ने उसे न्याय दिलाने के लिए उसके खिलाफ साजिश की। वे विवेक से उसका अनुसरण करते हैं और निर्मात इमारत में मनी को पाते हैं। देव को पता चलता है कि उसके पीछे एक गिरोह है और पैसे भी चुरा लेते हैं। वह पेंसिल की पहचान को कम कर देता है और डकैती के बारे में पुलिस को भी सुझाव देता है और इसमें पेंसिल के विवरण भी है। पेंसिल सफलतापूर्वक पैसे को स्थानांतरित कर देता है इससे पहले कि पुलिस ने उसकी जगह पर छापा मारा। हालांकि उनके सदमे में उन्होंने कहा कि पैसे सरस्वती द्वारा चुराया गया था, जो बताता है कि उनके पति जो बैंक के पास एक बुक स्टोर पर काम कर रहे थे वे डकैती के रात को देव द्वारा मार दिए गए थे। उसने गैंग को विश्वास दिलाया कि उसके पोते की मृत्यु हो गई ताकि वह अपने प्रतिशोध को उचित बना सके। इसने पेंसिल के साथ से पैसे चुराए और इसे अनाथालय के विकास के लिए दान कर दिया और पेंसिल को प्रतिशोध को छोड़ने के अपने फैसले के बारे में बताता है। पीछा करने के दौरान चीनू की चोट के बाद पेंसिल अपने एक नए परिवार की रक्षा करने के लिए बाद के गैरेज में देव को मारता है और इसे कार दुर्घटना के रूप में फ्रेम करता है। जब वह घर लौटता है तो अपने आश्चर्य के लिए गिरोह देव को अपने बदला लेने के लिए मारने की योजना को छोड़ देता है। प्रिया अपने मंगेतर से आगे बढ़ने का फैसला करते हैं और जब उसे पता चलता है कि पेंसिल ने देव को मार डाला तो उसे प्रकट नहीं करने का फैसला करता है। प्रिया और पेंसिल की शादी हो जाती है जहां पेंसिल ने अपने अनुभव को संलग्न करते हुए गैंग लीडर को सफलतापूर्वक प्रकाशित किया। सुकुमार अपने उपन्यास के आधार पर एक फिल्म बनाने के लिए कॉपीराइट के लिए पेंसिल से मिलता है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म 13 सितंबर 2019 को जारी की गई थी जिसे 30 अगस्त 2019 को पूर्व निर्धारित रिलीज की तारीख से पीछे ढकेल दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिकॉर्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है नानीज गैंग लीडर। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। नानीज गैंग लीडर 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। विक्रम कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित, मैत्री फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्मित फिल्म में नानी, कार्तिकेयन, प्रियंका, अरुल मोहन, लक्ष्मी, शरण्यम, पूनमानंद, श्रीराम रेड्डी और प्राण पी है राव। संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा रचित है। इस फिल्म में 5 महिलाएं अपने
प्रियजनों की मौत का बदला लेने के लिए एक अपराध उपन्यासकार की मदद लेती है। फिल्म को 13 सितंबर 2019 को जारी किया गया था, जिसे 30 अगस्त 2019 को पूर्व निर्धारित रिलीज की तारीख से पीछे ढकेल दिया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पेंसिल पार्थसारथी के रूप में हैं नानी और देव के रूप में हैं कार्तिकेया, प्रियंका और उल्मोहन के रूप में हैं प्रिया और सरस्वती के रूप में लक्ष्मी। वही वरलक्ष्मी के रूप में शरण्या पूर्णवानंद हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में तो 6 व्यक्तियों ने सफलतापूर्वक की गई कीमत एक बैंक डकैत पूरी की, जिसके बाद एक डाकू बाकी 5 को मारता है और पैसे से भाग जाता है। 5 शोकसंत महिलाएं सरस्वती जिन्होंने अपने पोते को खो दिया, वरलक्ष्मी जिसने अपने बेटे को खो दिया, प्रियम जिसने अपने मंगेतर अविनाश को खो दिया था, स्वाति जिसने अपने बड़े भाई को खो दिया, वो श्रीनिधि जो अपने पिता को खोने के झटके के कारण मूक बन गई। उन्हें अपने प्रियजनों का बदला लेने के लिए सरस्वती द्वारा एक साथ लाया जाता है। पेंसिल पार्थसारथी एक छोटा समय अपराध उपन्यासकार जो अमेरिकी फिल्म देखता है और स्थानीय तेलुगु उपन्यास में अपने भूखंडों को फिर से लिखता है। उसको 5 महिलाओं द्वारा अपराधी को ट्रैक करने की उम्मीद से संपर्क किया जाता है। पेंसिल शुरू में मना कर देता है, लेकिन एक अच्छा और शायद पहली मूल कहानी को संवेदना उनकी मदद करने के लिए सहमत है। रेंगटेक समूह जो अंततः खुद को रिवेंज के रूप में नामित करता है, एक मुख्य संदिग्ध पर संकीर्ण देव है। देव एक एम्बुलेंस ड्राइवर है जो एक F1 रेसर है जो अब भारत में नई सनसनी है। स्पोर्ट्स बाइक खरीदने के लिए देव ने अपने पिता को मार डाला और बीमा प्राप्त किया। उन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में अपने पिता की नौकरी भी ली। एक दिन अस्पताल में वह 5 कैंसर रोगियों के एक समूह में शामिल हो गए जो मरने से पहले अपने प्रियजनों के लिए पैसे बचाने के लिए एक डकैती की योजना बना रहे थे। बाद में वह 5 को मारता है और पैसे चुराता है और एक सफल रेस ड्राइवर बनने के अपने जुनून का पालन करता है। रिवेंजर्स ने उसे न्याय दिलाने के लिए उसके खिलाफ साजिश की। वे विवेक से उसका अनुसरण करते हैं और निर्मात इमारत में मनी को पाते हैं। देव को पता चलता है कि उसके पीछे एक गिरोह है और पैसे भी चुरा लेते हैं। वह पेंसिल की पहचान को कम कर देता है और डकैती के बारे में पुलिस को भी सुझाव देता है और इसमें पेंसिल के विवरण भी है। पेंसिल सफलतापूर्वक पैसे को स्थानांतरित कर देता है इससे पहले कि पुलिस ने उसकी जगह पर छापा मारा। हालांकि उनके सदमे में उन्होंने कहा कि पैसे सरस्वती द्वारा चुराया गया था, जो बताता है कि उनके पति जो बैंक के पास एक बुक स्टोर पर काम कर रहे थे, वे डकैती के रात को देव द्वारा मार दिए गए थे। उसने गैंग को
विश्वास दिलाया कि उसके पोते की मृत्यु हो गई ताकि वह अपने प्रतिशोध को उचित बना सके। इसने पेंसिल के साथ से पैसे चुराए और इसे अनाथालय के विकास के लिए दान कर दिया और पेंसिल को प्रतिशोध को छोड़ने के अपने फैसले के बारे में बताता है। पीछा करने के दौरान चीनू की चोट के बाद पेंसिल अपने एक नए परिवार की रक्षा करने के लिए बाद के गैरेज में देव को मारता है और इसे कार दुर्घटना के रूप में फ्रेम करता है। जब वह घर लौटता है तो अपने आश्चर्य के लिए गिरोह देव को अपने बदला लेने के लिए मारने की योजना को छोड़ देता है। प्रिया अपने मंगेतर से आगे बढ़ने का फैसला करती है और जब उसे पता चलता है कि पेंसिल ने देव को मार डाला तो उसे प्रकट नहीं करने का फैसला करता है। प्रिया और पेंसिल की शादी हो जाती है जहां पेंसिल ने अपने अनुभव को संलग्न करते हुए गैंग लीडर को सफलतापूर्वक प्रकाशित किया। सुकुमार अपने उपन्यास के आधार पर एक फिल्म बनाने के लिए कॉपीराइट के लिए पेंसिल से मिलता है। मूवी बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म 13 सितंबर 2019 को जारी की गई थी जिसे 30 अगस्त 2019 को पूर्व निर्धारित रिलीज की तारीख से पीछे ढकेल दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है नानीज गैंग लीडर। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। नानीज गैंग लीडर 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। विक्रम कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित, मैत्री फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्मित फिल्म में नानी, कार्तिकेयन, प्रियंका, अरुण मोहन, लक्ष्मी, शरण्यम, पूर्णानंद, श्रीराम रेड्डी और प्राण पी है राव। संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा रचित है। इस फिल्म में 5 महिलाएं अपने प्रियजनों की मौत का बदला लेने के लिए एक अपराध उपन्यासकार की मदद लेती है। फिल्म को 13 सितंबर 2019 को जारी किया गया था जिसे 30 अगस्त 2019 को पूर्व निर्धारित रिलीज की तारीख से पीछे ढकेल दिया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पेंसिल पार्थ सारथी के रूप में है नानी और देव के रूप में है कार्तिकेया, प्रियंका अरुण मोहन के रूप में है प्रिया और सरस्वती के रूप में लक्ष्मी, वही वरलक्ष्मी के रूप में शरण्या, पूर्णानंद हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में तो 6 व्यक्तियों ने सफलतापूर्वक की गई कीमत एक बैंक डकैत पूरी की जिसके बाद एक डाकू बाकी 5 को मारता है और पैसे से भाग जाता है। 5 शोकसंत महिलाएं सरस्वती जिन्होंने अपने पोते को खो दिया, वरलक्ष्मी जिसने अपने बेटे को खो दिया, प्रियम जिसने अपने मंगेतर अविनाश को खो दिया था, स्वाति जिसने अपने बड़े भाई को खो दिया और श्रीनिधि जो अपने पिता को खोने के झटके के कारण मूक बन गई। उन्हें अपने प्रियजनों का बदला लेने के लिए सरस्वती द्वारा एक साथ लाया जाता है। पेंसिल पार्थ सारथी एक छोटा समय अपराध उपन्यासकार जो अमेरिकी फिल्म देखता है और स्थानीय तेलुगु उपन्यास में अपने भूखंडों को फिर से लिखता है। उसको
पांच महिलाओं द्वारा अपराधी को ट्रैक करने की उम्मीद से संपर्क किया जाता है। पेंसिल शुरू में मना कर देता है, लेकिन एक अच्छा और शायद पहली मूल कहानी को संवेदना उनकी मदद करने के लिए सहमत है। रेंगटेक समूह जो अंततः खुद को रिवेंग्स के रूप में नामित करता है, एक मुख्य संदिग्ध पर संकीर्ण देव है। देव एक एम्बुलेंस ड्राइवर है जो एक F1 रेसर है जो अब भारत में नई सनसनी है। स्पोर्ट्स बाइक खरीदने के लिए देव ने अपने पिता को मार डाला और बीमा प्राप्त किया। उन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में अपने पिता की नौकरी भी ली। एक दिन अस्पताल में वह पांच कैंसर रोगियों के एक समूह में शामिल हो गए जो मरने से पहले अपने प्रियजनों के लिए पैसे बचाने के लिए एक डकैती की योजना बना रहे थे। बाद में वह पांचों को मारता है और पैसे चुराता है और एक सफल रेस ड्राइवर बनने के अपने जुनून का पालन करता है। रिवेंजर्स ने उसे न्याय दिलाने के लिए उसके खिलाफ साजिश की। वे विवेक से उसका अनुसरण करते हैं और निर्मात इमारत में मनी को पाते हैं। देव को पता चलता है कि उसके पीछे एक गिरोह है और पैसे भी चुरा लेते हैं। वह पेंसिल की पहचान को कम कर देता है और डकैती के बारे में पुलिस को भी सुझाव देता है और इसमें पेंसिल के विवरण भी है। पेंसिल सफलतापूर्वक पैसे को स्थानांतरित कर देता है इससे पहले कि पुलिस ने उसकी जगह पर छापा मारा। हालांकि उनके सदमे में उन्होंने कहा कि पैसे सरस्वती द्वारा चुराया गया था, जो बताता है कि उनके पति जो बैंक के पास एक बुक स्टोर पर काम कर रहे थे, वे डकैती के रात को देव द्वारा मार दिए गए थे। उसने गैंग को विश्वास दिलाया कि उसके पोते की मृत्यु हो गई ताकि वह अपने प्रतिशोध को उचित बना सके। इसने पेंसिल के साथ से पैसे चुराए और इसे अनाथालय के विकास के लिए दान कर दिया और पेंसिल को प्रतिशोध को छोड़ने के अपने फैसले के बारे में बताता है। पीछा करने के दौरान चीनू की चोट के बाद पेंसिल अपने एक नए परिवार की रक्षा करने के लिए बाद के गैरेज में देव को मारता है और इसे कार दुर्घटना के रूप में फ्रेम करता है। जब वह घर लौटता है तो अपने आश्चर्य के लिए गिरोह देव को अपने बदला लेने के लिए मारने की योजना को छोड़ देता है। प्रिया अपने मंगेतर से आगे बढ़ने का फैसला करती है और जब उसे पता चलता है कि पेंसिल ने देव को मार डाला तो उसे प्रकट नहीं करने का फैसला करता है। प्रिया और पेंसिल की शादी हो जाती है जहां पेंसिल ने अपने अनुभव को संलग्न करते हुए गैंग लीडर को सफलतापूर्वक प्रकाशित किया। सुकुमार अपने उपन्यास के आधार पर एक फिल्म बनाने के लिए कॉपीराइट के लिए पेंसिल से मिलता है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म 13 सितंबर 2019 को जारी की गई थी, जिसे 30 अगस्त 2019 को पूर्व निर्धारित रिलीज की तारीख से पीछे ढकेल दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है नानीज गैंग लीडर। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं।
नानीज गैंग लीडर 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। विक्रम कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित मैत्री फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्मित फिल्म में नानी, कार्तिकेयन, प्रियंका, अरुल मोहन, लक्ष्मी, शरण्यम, पूर्णानंद, श्रीराम रेड्डी और प्राण पी है राव। संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा रचित है। इस फिल्म में 5 महिलाएं अपने प्रियजनों की मौत का बदला लेने के लिए एक अपराध उपन्यासकार की मदद लेती है। फिल्म को 13 सितंबर 2019 को जारी किया गया था, जिसे 30 अगस्त 2019 को पूर्व निर्धारित रिलीज की तारीख से पीछे ढकेल दिया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पेंसिल पार्थ सारथी के रूप में हैं नानी और देव के रूप में हैं कार्तिकेया, प्रियंका और अरुल मोहन के रूप में हैं प्रिया और सरस्वती के रूप में लक्ष्मी। वही वरलक्ष्मी के रूप में शरण्या पूर्णानंद हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में तो 6 व्यक्तियों ने सफलतापूर्वक की गई कीमत एक बैंक डकैत पूरी की, जिसके बाद एक डाकू बाकी 5 को मारता है और पैसे से भाग जाता है। 5 शोकसंत महिलाएं सरस्वती जिन्होंने अपने पोते को खो दिया, वरलक्ष्मी जिसने अपने बेटे को खो दिया, प्रियम जिसने अपने मंगेतर अविनाश को खो दिया था, स्वाति जिसने अपने बड़े भाई को खो दिया और श्रीनिधि जो अपने पिता को खोने के झटके के कारण मूक बन गई। उन्हें अपने प्रियजनों का बदला लेने के लिए सरस्वती द्वारा एक साथ लाया जाता है। पेंसिल पार्थ सारथी एक छोटा समय अपराध उपन्यासकार जो अमेरिकी फिल्म देखता है और स्थानीय तेलुगु उपन्यास में अपने भूखंडों को फिर से लिखता है। उसको 5 महिलाओं द्वारा अपराधी को ट्रैक करने की उम्मीद से संपर्क किया जाता है। पेंसिल शुरू में मना कर देता है, लेकिन एक अच्छा और शायद पहली मूल कहानी को संवेदना उनकी मदद करने के लिए सहमत है। रेंगटेक समूह जो अंततः खुद को रिवेंग्स के रूप में नामित करता है, एक मुख्य संदिग्ध पर संकीर्ण देव है। देव एक एम्बुलेंस ड्राइवर है जो एक F1 रेसर है जो अब भारत में नई सनसनी है। स्पोर्ट्स बाइक खरीदने के लिए देव ने अपने पिता को मार डाला और बीमा प्राप्त किया। उन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में अपने पिता की नौकरी भी ली। एक दिन अस्पताल में वह 5 कैंसर रोगियों के एक समूह में शामिल हो गए जो मरने से पहले अपने प्रियजनों के लिए पैसे बचाने के लिए एक डकैती की योजना बना रहे थे। बाद में वह 5 को मारता है और पैसे चुराता है और एक सफल रेस ड्राइवर बनने के अपने जुनून का पालन करता है। रिवेंजर्स ने उसे न्याय दिलाने के लिए उसके खिलाफ साजिश की। वे विवेक से उसका अनुसरण करते हैं और निर्मात इमारत में मनी को पाते हैं। देव को पता चलता है कि उसके पीछे एक गिरोह है और पैसे भी चुरा लेते हैं। वह पेंसिल की पहचान को कम कर देता है और डकैती के बारे में पुलिस को भी
सुझाव देता है और इसमें पेंसिल के विवरण भी है। पेंसिल सफलतापूर्वक पैसे को स्थानांतरित कर देता है इससे पहले कि पुलिस ने उसकी जगह पर छापा मारा। हालांकि उनके सदमे में उन्होंने कहा कि पैसे सरस्वती द्वारा चुराया गया था, जो बताता है कि उनके पति जो बैंक के पास एक बुक स्टोर पर काम कर रहे थे, वे डकैती के रात को देव द्वारा मार दिए गए थे। उसने गैंग को विश्वास दिलाया कि उसके पोते की मृत्यु हो गई ताकि वह अपने प्रतिशोध को उचित बना सके। इसने पेंसिल के साथ से पैसे चुराए और इसे अनाथालय के विकास के लिए दान कर दिया और पेंसिल को प्रतिशोध को छोड़ने के अपने फैसले के बारे में बताता है। पीछा करने के दौरान चीनू की चोट के बाद पेंसिल अपने एक नए परिवार की रक्षा करने के लिए बाद के गैरेज में देव को मारता है और इसे कार दुर्घटना के रूप में फ्रेम करता है। जब वह घर लौटता है तो अपने आश्चर्य के लिए गिरोह देव को अपने बदला लेने के लिए मारने की योजना को छोड़ देता है। प्रिया अपने मंगेतर से आगे बढ़ने का फैसला करते हैं और जब उसे पता चलता है कि पेंसिल ने देव को मार डाला तो उसे प्रकट नहीं करने का फैसला करता है। प्रिया और पेंसिल की शादी हो जाती है जहां पेंसिल ने अपने अनुभव को संलग्न करते हुए गैंग लीडर को सफलतापूर्वक प्रकाशित किया। सुकुमार अपने उपन्यास के आधार पर एक फिल्म बनाने के लिए कॉपीराइट के लिए पेंसिल से मिलता है। मूवी बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म 13 सितंबर 2019 को जारी की गई थी जिसे 30 अगस्त 2019 को पूर्व निर्धारित रिलीज की तारीख से पीछे ढकेल दिया गया था। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिकॉर्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है नानीज गैंग लीडर। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। नानीज गैंग लीडर 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। विक्रम कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित, मैत्री फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्मित फिल्म में नानी, कार्तिकेयन, प्रियंका, अरुल मोहन, लक्ष्मी, शरण्यम, पूनमानंद, श्रीराम रेड्डी और प्राण पी है राव। संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा रचित है। इस फिल्म में 5 महिलाएं अपने प्रियजनों की मौत का बदला लेने के लिए एक अपराध उपन्यासकार की मदद लेती है। फिल्म को 13 सितंबर 2019 को जारी किया गया था जिसे 30 अगस्त 2019 को पूर्व निर्धारित रिलीज की तारीख से पीछे ढकेल दिया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पेंसिल पार्थ सारथी के रूप में हैं नानी और देव के रूप में हैं कार्तिकेया, प्रियंका और अरुल मोहन के रूप में हैं प्रिया और सरस्वती के रूप में लक्ष्मी। वही वरलक्ष्मी के रूप में शरण्या, पूनमानंद हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में तो 6 व्यक्तियों ने सफलतापूर्वक की गई कीमत एक बैंक डकैत पूरी की जिसके बाद एक डाकू बाकी 5 को मारता है और पैसे से भाग जाता है। 5 शोकसंत महिलाएं सरस्वती जिन्होंने अपने पोते को खो दिया, वरलक्ष्मी जिसने अपने बेटे को खो दिया, प्रियम जिसने अपने मंगेतर अविनाश को खो दिया था, स्वाति जिसने अपने बड़े भाई
को खो दिया। वो श्रीनिधि जो अपने पिता को खोने के झटके के कारण मूक बन गई, उन्होंने अपने प्रियजनों का बदला लेने के लिए सरस्वती द्वारा एक साथ लाया जाता है। पेंसिल पार्थसारथी एक छोटा समय अपराध उपन्यासकार जो अमेरिकी फिल्म देखता है और स्थानीय तेलुगु उपन्यास में अपने भूखंडों को फिर से लिखता है। उसको पांच महिलाओं द्वारा अपराधी को ट्रैक करने की उम्मीद से संपर्क किया जाता है। पेंसिल शुरू में मना कर देता है, लेकिन एक अच्छा और शायद पहली मूल कहानी को संवेदना उनकी मदद करने के लिए सहमत है। रेंगटेक समूह जो अंततः खुद को रिवेंज के रूप में नामित करता है, एक मुख्य संदिग्ध पर संकीर्ण देव है। देव एक एम्बुलेंस ड्राइवर है जो एक F1 रेसर है जो अब भारत में नई सनसनी है। स्पोर्ट्स बाइक खरीदने के लिए देव ने अपने पिता को मार डाला और बीमा प्राप्त किया। उन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में अपने पिता की नौकरी भी ली। एक दिन अस्पताल में वह पांच कैंसर रोगियों के एक समूह में शामिल हो गए जो मरने से पहले अपने प्रियजनों के लिए पैसे बचाने के लिए एक डकैती की योजना बना रहे थे। बाद में वह पांचों को मारता है और पैसे चुराता है और एक सफल रेस ड्राइवर बनने के अपने जुनून का पालन करता है। रिवेंजर्स ने उसे न्याय दिलाने के लिए उसके खिलाफ साजिश की। वे विवेक से उसका अनुसरण करते हैं और निर्मात इमारत में मनी को पाते हैं। देव को पता चलता है कि उसके पीछे एक गिरोह है और पैसे भी चुरा लेते हैं। वह पेंसिल की पहचान को कम कर देता है और डकैती के बारे में पुलिस को भी सुझाव देता है और इसमें पेंसिल के विवरण भी है। पेंसिल सफलतापूर्वक पैसे को स्थानांतरित कर देता है इससे पहले कि पुलिस ने उसकी जगह पर छापा मारा। हालांकि उनके सदमे में उन्होंने कहा कि पैसे सरस्वती द्वारा चुराया गया था, जो बताता है कि उनके पति जो बैंक के पास एक बुक स्टोर पर काम कर रहे थे, वे डकैती के रात को देव द्वारा मार दिए गए थे। उसने गैंग को विश्वास दिलाया कि उसके पोते की मृत्यु हो गई ताकि वह अपने प्रतिशोध को उचित बना सके। इसने पेंसिल के साथ से पैसे चुराए और इसे अनाथालय के विकास के लिए दान कर दिया और पेंसिल को प्रतिशोध को छोड़ने के अपने फैसले के बारे में बताता है। पीछा करने के दौरान चीनू की चोट के बाद पेंसिल अपने एक नए परिवार की रक्षा करने के लिए बाद के गैरेज में देव को मारता है और इसे कार दुर्घटना के रूप में फ्रेम करता है। जब वह घर लौटता है तो अपने आश्चर्य के लिए गिरोह देव को अपने बदला लेने के लिए मारने की योजना को छोड़ देता है। प्रिया अपने मंगेतर से आगे बढ़ने का फैसला करते हैं और जब उसे पता चलता है कि पेंसिल ने देव को मार डाला तो उसे प्रकट नहीं करने का फैसला करता है। प्रिया और पेंसिल की शादी हो जाती है, जहां पेंसिल ने अपने अनुभव को संलग्न करते हुए गैंग लीडर को सफलतापूर्वक प्रकाशित किया। सुकुमार अपने उपन्यास के आधार पर एक फिल्म बनाने के लिए
कॉपीराइट केली इन पिंसिल से मिलता है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो फिल्म 13 सितंबर 2019 को जारी की गई थी, जिसे 30 अगस्त 2019 को पूर्व निर्धारित रिलीज की तारीख से पीछे ढकेल दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिकॉर्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है नानीज गैंग लीडर। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। नानीज गैंग लीडर 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। विक्रम कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित, मैत्री फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्मित फिल्म में नानी, कार्तिकेयम, प्रियंका, अरुण मोहन, लक्ष्मी, शरण्यम, पुनवानन, श्रीयाम रेड्डी और प्राण पी है राव। संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा रचित है। इस फिल्म में 5 महिलाएं अपने प्रियजनों की मौत का बदला लेने के लिए एक अपराध उपन्यासकार की मदद लेती है। फिल्म को 13 सितंबर 2019 को जारी किया गया था, जिसे 30 अगस्त 2019 को पूर्व निर्धारित रिलीज की तारीख से पीछे ढकेल दिया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो पेंसिल पार्थसारथी के रूप में हैं नानी और देव के रूप में हैं कार्तिकेया, प्रियंका और उल्मोन के रूप में हैं प्रिया और सरस्वती के रूप में लक्ष्मी। वही वरलक्ष्मी के रूप में शरण्या पूर्णवानन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में, तो 6 व्यक्तियों ने सफलतापूर्वक की गई कीमत एक बैंक डकैत पूरी की, जिसके बाद एक डाकू बाकी 5 को मारता है और पैसे से भाग जाता है। 5 शोकसंत महिलाएं सरस्वती जिन्होंने अपने पोते को खो दिया, वरलक्ष्मी जिसने अपने बेटे को खो दिया, प्रियम जिसने अपने मंगेतर अविनाश को खो दिया था, स्वाति जिसने अपने बड़े भाई को खो दिया, और श्रीनिधि जो अपने पिता को खोने के झटके के कारण मूक बन गई। उन्हें अपने प्रियजनों का बदला लेने के लिए सरस्वती द्वारा एक साथ लाया जाता है। पेंसिल पार्थसारथी एक छोटा समय अपराध उपन्यासकार जो अमेरिकी फिल्म देखता है और स्थानीय तेलुगु उपन्यास में अपने भूखंडों को फिर से लिखता है। उसको 5 महिलाओं द्वारा अपराधी को ट्रैक करने की उम्मीद से संपर्क किया जाता है। पेंसिल शुरू में मना कर देता है, लेकिन एक अच्छा और शायद पहली मूल कहानी को संवेदना उनकी मदद करने के लिए सहमत है। रेंगटेक समूह जो अंततः खुद को रिवेंग्स के रूप में नामित करता है, एक मुख्य संदिग्ध पर संकीर्ण देव है। देव एक एम्बुलेंस ड्राइवर है जो एक F1 रेसर है जो अब भारत में नई सनसनी है। स्पोर्ट्स बाइक खरीदने के लिए देव ने अपने पिता को मार डाला और बीमा प्राप्त किया। उन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में अपने पिता की नौकरी भी ली। एक दिन अस्पताल में वह 5 कैंसर रोगियों के एक समूह में शामिल हो गए जो मरने से पहले अपने प्रियजनों के लिए पैसे बचाने के लिए एक डकैती की योजना बना रहे थे। बाद में वह 5 को मारता है और पैसे चुराता है और एक सफल रेस ड्राइवर बनने के अपने
जुनून का पालन करता है। रिवेंजर्स ने उसे न्याय दिलाने के लिए उसके खिलाफ साजिश की। वे विवेक से उसका अनुसरण करते हैं और निर्मात इमारत में मनी को पाते हैं। देव को पता चलता है कि उसके पीछे एक गिरोह है और पैसे भी चुरा लेते हैं। वह पेंसिल की पहचान को कम कर देता है और डकैती के बारे में पुलिस को भी सुझाव देता है, और इसमें पेंसिल के विवरण भी है। पेंसिल सफलतापूर्वक पैसे को स्थानांतरित कर देता है इससे पहले कि पुलिस ने उसकी जगह पर छापा मारा। हालांकि उनके सदमे में उन्होंने कहा कि पैसे सरस्वती द्वारा चुराया गया था, जो बताता है कि उनके पति जो बैंक के पास एक बुक स्टोर पर काम कर रहे थे, वे डकैती के रात को देव द्वारा मार दिए गए थे। उसने गैंग को विश्वास दिलाया कि उसके पोते की मृत्यु हो गई ताकि वह अपने प्रतिशोध को उचित बना सके। इसने पेंसिल के साथ से पैसे चुराए और इसे अनाथालय के विकास के लिए दान कर दिया, और पेंसिल को प्रतिशोध को छोड़ने के अपने फैसले के बारे में बताता है। पीछा करने के दौरान चीनू की चोट के बाद पेंसिल अपने एक नए परिवार की रक्षा करने के लिए बाद के गैरेज में देव को मारता है और इसे कार दुर्घटना के रूप में फ्रेम करता है। जब वह घर लौटता है तो अपने आश्चर्य के लिए गिरोह देव को अपने बदला लेने के लिए मारने की योजना को छोड़ देता है। प्रिया अपने मंगेतर से आगे बढ़ने का फैसला करती है, और जब उसे पता चलता है कि पेंसिल ने देव को मार डाला तो उसे प्रकट नहीं करने का फैसला करता है। प्रिया और पेंसिल की शादी हो जाती है, जहां पेंसिल ने अपने अनुभव को संलग्न करते हुए गैंग लीडर को सफलतापूर्वक प्रकाशित किया। सुकुमार अपने उपन्यास के आधार पर एक फिल्म बनाने के लिए कॉपीराइट के लिए पेंसिल से मिलता है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में, तो फिल्म 13 सितंबर 2019 को जारी की गई थी, जिसे 30 अगस्त 2019 को पूर्व निर्धारित रिलीज की तारीख से पीछे ढकेल दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है नानीज गैंग लीडर। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। नानीज गैंग लीडर 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। विक्रम कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित, मैत्री फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्मित फिल्म में नानी, कार्तिकेयन, प्रियंका, अरुल मोहन, लक्ष्मी, शरण्यम, पूर्णानंद, श्रीराम रेड्डी और प्राण पी है राव। संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा रचित है। इस फिल्म में 5 महिलाएं अपने प्रियजनों की मौत का बदला लेने के लिए एक अपराध उपन्यासकार की मदद लेती है। फिल्म को 13 सितंबर 2019 को जारी किया गया था, जिसे 30 अगस्त 2019 को पूर्व निर्धारित रिलीज की तारीख से पीछे ढकेल दिया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में, तो पेंसिल पार्थ सारथी के रूप में हैं नानी, और देव के रूप में हैं कार्तिकेय, प्रियंका अरुल मोहन के रूप में हैं प्रिया, और सरस्वती के रूप में लक्ष्मी। वही वरलक्ष्मी के रूप में शरण्या पूर्णानंद हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में, तो 6 व्यक्तियों ने
सफलतापूर्वक की गई कीमत एक बैंक डकैत पूरी की, जिसके बाद एक डाकू बाकी पांचों को मारता है और पैसे से भाग जाता है। पांच शोकसंत महिलाएं सरस्वती जिन्होंने अपने पोते को खो दिया, वरलक्ष्मी जिसने अपने बेटे को खो दिया, प्रियम जिसने अपने मंगेतर अविनाश को खो दिया था, स्वाति जिसने अपने बड़े भाई को खो दिया, और श्रीनिधि जो अपने पिता को खोने के झटके के कारण मूक बन गई। उन्हें अपने प्रियजनों का बदला लेने के लिए सरस्वती द्वारा एक साथ लाया जाता है। पेंसिल पार्थसारथी एक छोटा समय अपराध उपन्यासकार जो अमेरिकी फिल्म देखता है और स्थानीय तेलुगु उपन्यास में अपने भूखंडों को फिर से लिखता है। उसको पांच महिलाओं द्वारा अपराधी को ट्रैक करने की उम्मीद से संपर्क किया जाता है। पेंसिल शुरू में मना कर देता है, लेकिन एक अच्छा और शायद पहली मूल कहानी को संवेदना उनकी मदद करने के लिए सहमत है। रैंगटेक समूह जो अंततः खुद को रिवेंज के रूप में नामित करता है, एक मुख्य संदिग्ध पर संकीर्ण देव है। देव एक एम्बुलेंस ड्राइवर है जो एक F1 रेसर है जो अब भारत में नई सनसनी है। स्पोर्ट्स बाइक खरीदने के लिए देव ने अपने पिता को मार डाला और बीमा प्राप्त किया। उन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में अपने पिता की नौकरी भी ली। एक दिन अस्पताल में वह पांच कैंसर रोगियों के एक समूह में शामिल हो गए जो मरने से पहले अपने प्रियजनों के लिए पैसे बचाने के लिए एक डकैती की योजना बना रहे थे। बाद में वह पांचों को मारता है और पैसे चुराता है और एक सफल रेस ड्राइवर बनने के अपने जुनून का पालन करता है। रिवेंजर्स ने उसे न्याय दिलाने के लिए उसके खिलाफ साजिश की। वे विवेक से उसका अनुसरण करते हैं और निर्मात इमारत में मनी को पाते हैं। देव को पता चलता है कि उसके पीछे एक गिरोह है और पैसे भी चुरा लेते हैं। वह पेंसिल की पहचान को कम कर देता है और डकैती के बारे में पुलिस को भी सुझाव देता है, और इसमें पेंसिल के विवरण भी है। पेंसिल सफलतापूर्वक पैसे को स्थानांतरित कर देता है इससे पहले कि पुलिस ने उसकी जगह पर छापा मारा। हालांकि उनके सदमे में उन्होंने कहा कि पैसे सरस्वती द्वारा चुराया गया था, जो बताता है कि उनके पति जो बैंक के पास एक बुक स्टोर पर काम कर रहे थे, वे डकैती के रात को देव द्वारा मार दिए गए थे। उसने गैंग को विश्वास दिलाया कि उसके पोते की मृत्यु हो गई ताकि वह अपने प्रतिशोध को उचित बना सके। इसने पेंसिल के साथ से पैसे चुराए और इसे अनाथालय के विकास के लिए दान कर दिया और पेंसिल को प्रतिशोध को छोड़ने के अपने फैसले के बारे में बताता है। पीछा करने के दौरान चीनू की चोट के बाद पेंसिल अपने एक नए परिवार की रक्षा करने के लिए बाद के गैरेज में देव को मारता है और इसे कार दुर्घटना के रूप में फ्रेम करता है। जब वह घर लौटता है तो अपने आश्चर्य के लिए गिरोह देव को अपने बदला लेने के लिए
मारने की योजना को छोड़ देता है। प्रिया अपने मंगेतर से आगे बढ़ने का फैसला करती है और जब उसे पता चलता है कि पेंसिल ने देव को मार डाला तो उसे प्रकट नहीं करने का फैसला करता है। प्रिया और पेंसिल की शादी हो जाती है जहां पेंसिल ने अपने अनुभव को संलग्न करते हुए गैंग लीडर को सफलतापूर्वक प्रकाशित किया। सुकुमार अपने उपन्यास के आधार पर एक फिल्म बनाने के लिए कॉपीराइट के लिए पेंसिल से मिलता है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म 13 सितंबर 2019 को जारी की गई थी जिसे 30 अगस्त 2019 को पूर्व निर्धारित रिलीज की तारीख से पीछे ढकेल दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिकॉर्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है नानीज गैंग लीडर। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। नानीज गैंग लीडर 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। विक्रम कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित, मैत्री फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्मित फिल्म में नानी, कार्तिकेयन, प्रियंका, अरुल मोहन, लक्ष्मी, शरण्यम, पूनमानंद, श्रीराम रेड्डी और प्राण पी है राव। संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा रचित है। इस फिल्म में 5 महिलाएं अपने प्रियजनों की मौत का बदला लेने के लिए एक अपराध उपन्यासकार की मदद लेती है। फिल्म को 13 सितंबर 2019 को जारी किया गया था जिसे 30 अगस्त 2019 को पूर्व निर्धारित रिलीज की तारीख से पीछे ढकेल दिया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पेंसिल पार्थसारथी के रूप में हैं नानी और देव के रूप में हैं कार्तिकेया, प्रियंका और अरुल मोहन के रूप में हैं प्रिया और सरस्वती के रूप में लक्ष्मी। वही वरलक्ष्मी के रूप में शरण्या, पूनमानंद हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में तो 6 व्यक्तियों ने सफलतापूर्वक की गई कीमत एक बैंक डकैत पूरी की जिसके बाद एक डाकू बाकी 5 को मारता है और पैसे से भाग जाता है। 5 शोकसंत महिलाएं सरस्वती जिन्होंने अपने पोते को खो दिया, वरलक्ष्मी जिसने अपने बेटे को खो दिया, प्रियम जिसने अपने मंगेतर अविनाश को खो दिया था, स्वाति जिसने अपने बड़े भाई को खो दिया और श्रीनिधि जो अपने पिता को खोने के झटके के कारण मूक बन गई। उन्हें अपने प्रियजनों का बदला लेने के लिए सरस्वती द्वारा एक साथ लाया जाता है। पेंसिल पार्थसारथी एक छोटा समय अपराध उपन्यासकार जो अमेरिकी फिल्म देखता है और स्थानीय तेलुगु उपन्यास में अपने भूखंडों को फिर से लिखता है। उसको 5 महिलाओं द्वारा अपराधी को ट्रैक करने की उम्मीद से संपर्क किया जाता है। पेंसिल शुरू में मना कर देता है लेकिन एक अच्छा और शायद पहली मूल कहानी को संवेदना उनकी मदद करने के लिए सहमत है। रेंगटेक समूह जो अंततः खुद को रिवेंज के रूप में नामित करता है एक मुख्य संदिग्ध पर संकीर्ण देव है। देव एक एम्बुलेंस ड्राइवर है जो एक F1 रेसर है जो अब भारत में नई सनसनी है। स्पोर्ट्स बाइक खरीदने के लिए देव ने अपने पिता को मार डाला
और बीमा प्राप्त किया। उन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में अपने पिता की नौकरी भी ली। एक दिन अस्पताल में वह 5 कैंसर रोगियों के एक समूह में शामिल हो गए जो मरने से पहले अपने प्रियजनों के लिए पैसे बचाने के लिए एक डकैती की योजना बना रहे थे। बाद में वह 5 को मारता है और पैसे चुराता है और एक सफल रेस ड्राइवर बनने के अपने जुनून का पालन करता है। रिवेंजर्स ने उसे न्याय दिलाने के लिए उसके खिलाफ साजिश की। वे विवेक से उसका अनुसरण करते हैं और निर्मात इमारत में मनी को पाते हैं। देव को पता चलता है कि उसके पीछे एक गिरोह है और पैसे भी चुरा लेते हैं। वह पेंसिल की पहचान को कम कर देता है और डकैती के बारे में पुलिस को भी सुझाव देता है और इसमें पेंसिल के विवरण भी है। पेंसिल सफलतापूर्वक पैसे को स्थानांतरित कर देता है इससे पहले कि पुलिस ने उसकी जगह पर छापा मारा। हालांकि उनके सदमे में उन्होंने कहा कि पैसे सरस्वती द्वारा चुराया गया था, जो बताता है कि उनके पति जो बैंक के पास एक बुक स्टोर पर काम कर रहे थे, वे डकैती के रात को देव द्वारा मार दिए गए थे। उसने गैंग को विश्वास दिलाया कि उसके पोते की मृत्यु हो गई ताकि वह अपने प्रतिशोध को उचित बना सके। इसने पेंसिल के साथ से पैसे चुराए और इसे अनाथालय के विकास के लिए दान कर दिया और पेंसिल को प्रतिशोध को छोड़ने के अपने फैसले के बारे में बताता है। पीछा करने के दौरान चीनू की चोट के बाद पेंसिल अपने एक नए परिवार की रक्षा करने के लिए बाद के गैरेज में देव को मारता है और इसे कार दुर्घटना के रूप में फ्रेम करता है। जब वह घर लौटता है तो अपने आश्चर्य के लिए गिरोह देव को अपने बदला लेने के लिए मारने की योजना को छोड़ देता है। प्रिया अपने मंगेतर से आगे बढ़ने का फैसला करती है और जब उसे पता चलता है कि पेंसिल ने देव को मार डाला तो उसे प्रकट नहीं करने का फैसला करता है। प्रिया और पेंसिल की शादी हो जाती है जहां पेंसिल ने अपने अनुभव को संलग्न करते हुए गैंग लीडर को सफलतापूर्वक प्रकाशित किया। सुकुमार अपने उपन्यास के आधार पर एक फिल्म बनाने के लिए कॉपीराइट के लिए पेंसिल से मिलता है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म 13 सितंबर 2019 को जारी की गई थी जिसे 30 अगस्त 2019 को पूर्व निर्धारित रिलीज की तारीख से पीछे ढकेल दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है नानीज गैंग लीडर। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। नानीज गैंग लीडर 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। विक्रम कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित, मैत्री फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्मित फिल्म में नानी, कार्तिकेयम, प्रियंका, अरुण मोहन, लक्ष्मी, शरण्यम, पुनवानन, श्रीयाम रेड्डी और प्राण पी है राव। संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा रचित है। इस फिल्म में 5 महिलाएं अपने प्रियजनों की मौत का बदला लेने के लिए एक अपराध उपन्यासकार की मदद लेती है। फिल्म को 13 सितंबर 2019 को जारी किया गया था जिसे 30 अगस्त 2019 को
पूर्व निर्धारित रिलीज की तारीख से पीछे ढकेल दिया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पेंसिल पार्थसारथी के रूप में हैं नानी और देव के रूप में हैं कार्तिकेया, प्रियंका और उल्मोहन के रूप में हैं प्रिया और सरस्वती के रूप में लक्ष्मी। वही वरलक्ष्मी के रूप में शरण्या पूर्णवानंद हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में तो छह व्यक्तियों ने सफलतापूर्वक की गई कीमत एक बैंक डकैत पूरी की, जिसके बाद एक डाकू बाकी पांचों को मारता है और पैसे से भाग जाता है। पांच शोकसंत महिलाएं सरस्वती जिन्होंने अपने पोते को खो दिया, वरलक्ष्मी जिसने अपने बेटे को खो दिया, प्रियम जिसने अपने मंगेतर अविनाश को खो दिया था, स्वाति जिसने अपने बड़े भाई को खो दिया और श्रीनिधि जो अपने पिता को खोने के झटके के कारण मूक बन गई। उन्हें अपने प्रियजनों का बदला लेने के लिए सरस्वती द्वारा एक साथ लाया जाता है। पेंसिल पार्थसारथी एक छोटा समय अपराध उपन्यासकार जो अमेरिकी फिल्म देखता है और स्थानीय तेलुगु उपन्यास में अपने भूखंडों को फिर से लिखता है। उसको पांच महिलाओं द्वारा अपराधी को ट्रैक करने की उम्मीद से संपर्क किया जाता है। पेंसिल शुरू में मना कर देता है, लेकिन एक अच्छा और शायद पहली मूल कहानी को संवेदना उनकी मदद करने के लिए सहमत है। रेंगटेक समूह जो अंततः खुद को रिवेंज के रूप में नामित करता है एक मुख्य संदिग्ध पर संकीर्ण देव है। देव एक एम्बुलेंस ड्राइवर है जो एक F1 रेसर है जो अब भारत में नई सनसनी है। स्पोर्ट्स बाइक खरीदने के लिए देव ने अपने पिता को मार डाला और बीमा प्राप्त किया। उन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में अपने पिता की नौकरी भी ली। एक दिन अस्पताल में वह पांच कैंसर रोगियों के एक समूह में शामिल हो गए जो मरने से पहले अपने प्रियजनों के लिए पैसे बचाने के लिए एक डकैती की योजना बना रहे थे। बाद में वह पांचों को मारता है और पैसे चुराता है और एक सफल रेस ड्राइवर बनने के अपने जुनून का पालन करता है। रिवेंजर्स ने उसे न्याय दिलाने के लिए उसके खिलाफ साजिश की। वे विवेक से उसका अनुसरण करते हैं और निर्मात इमारत में मनी को पाते हैं। देव को पता चलता है कि उसके पीछे एक गिरोह है और पैसे भी चुरा लेते हैं। वह पेंसिल की पहचान को कम कर देता है और डकैती के बारे में पुलिस को भी सुझाव देता है और इसमें पेंसिल के विवरण भी है। पेंसिल सफलतापूर्वक पैसे को स्थानांतरित कर देता है इससे पहले कि पुलिस ने उसकी जगह पर छापा मारा। हालांकि उनके सदमे में उन्होंने कहा कि पैसे सरस्वती द्वारा चुराया गया था, जो बताता है कि उनके पति जो बैंक के पास एक बुक स्टोर पर काम कर रहे थे वे डकैती के रात को देव द्वारा मार दिए गए थे। उसने गैंग को विश्वास दिलाया कि उसके पोते की मृत्यु हो गई ताकि वह अपने प्रतिशोध को उचित बना सके। इसने पेंसिल के साथ से पैसे चुराए और इसे अनाथालय के विकास के लिए दान कर दिया
और पेंसिल को प्रतिशोध को छोड़ने के अपने फैसले के बारे में बताता है। पीछा करने के दौरान चीनू की चोट के बाद पेंसिल अपने एक नए परिवार की रक्षा करने के लिए बाद के गैरेज में देव को मारता है और इसे कार दुर्घटना के रूप में फ्रेम करता है। जब वह घर लौटता है तो अपने आश्चर्य के लिए गिरोह देव को अपने बदला लेने के लिए मारने की योजना को छोड़ देता है। प्रिया अपने मंगेतर से आगे बढ़ने का फैसला करती है और जब उसे पता चलता है कि पेंसिल ने देव को मार डाला तो उसे प्रकट नहीं करने का फैसला करता है। प्रिया और पेंसिल की शादी हो जाती है जहां पेंसिल ने अपने अनुभव को संलग्न करते हुए गैंग लीडर को सफलतापूर्वक प्रकाशित किया। सुकुमार अपने उपन्यास के आधार पर एक फिल्म बनाने के लिए कॉपीराइट के लिए पेंसिल से मिलता है। मूवी बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म 13 सितंबर 2019 को जारी की गई थी जिसे 30 अगस्त 2019 को पूर्व निर्धारित रिलीज की तारीख से पीछे ढकेल दिया गया था। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है नानीज गैंग लीडर। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। नानीज गैंग लीडर 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। विक्रम कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित, मैत्री फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्मित फिल्म में नानी, कार्तिकेयन, प्रियंका, अरुल मोहन, लक्ष्मी, शरण्यम, पूर्णमानंद, श्रीराम रेड्डी और प्राण पी है राव। संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा रचित है। इस फिल्म में 5 महिलाएं अपने प्रियजनों की मौत का बदला लेने के लिए एक अपराध उपन्यासकार की मदद लेती है। फिल्म को 13 सितंबर 2019 को जारी किया गया था जिसे 30 अगस्त 2019 को पूर्व निर्धारित रिलीज की तारीख से पीछे ढकेल दिया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पेंसिल पार्थ सारथी के रूप में हैं नानी और देव के रूप में हैं कार्तिकेया। प्रियंका अरुल मोहन के रूप में हैं प्रिया और सरस्वती के रूप में लक्ष्मी। वही वरलक्ष्मी के रूप में शरण्या पूर्णवानन हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में तो 6 व्यक्तियों ने सफलतापूर्वक की गई कीमत एक बैंक डकैत पूरी की जिसके बाद एक डाकू बाकी 5 को मारता है और पैसे से भाग जाता है। 5 शोकसंत महिलाएं सरस्वती जिन्होंने अपने पोते को खो दिया, वरलक्ष्मी जिसने अपने बेटे को खो दिया, प्रियम जिसने अपने मंगेतर अविनाश को खो दिया था, स्वाति जिसने अपने बड़े भाई को खो दिया और श्रीनिधि जो अपने पिता को खोने के झटके के कारण मूक बन गई। उन्हें अपने प्रियजनों का बदला लेने के लिए सरस्वती द्वारा एक साथ लाया जाता है। पेंसिल पार्थ सारथी एक छोटा समय अपराध उपन्यासकार जो अमेरिकी फिल्म देखता है और स्थानीय तेलुगु उपन्यास में अपने भूखंडों को फिर से लिखता है। उसको 5 महिलाओं द्वारा अपराधी को ट्रैक करने की उम्मीद से संपर्क किया जाता है। पेंसिल शुरू में मना कर देता है लेकिन एक अच्छा और शायद पहली मूल कहानी को संवेदना उनकी मदद करने के लिए सहमत है।
रेंगटेक समूह जो अंततः खुद को रिवेंग्स के रूप में नामित करता है, एक मुख्य संदिग्ध पर संकीर्ण देव है। देव एक एम्बुलेंस ड्राइवर है जो एक F1 रेसर है जो अब भारत में नई सनसनी है। स्पोर्ट्स बाइक खरीदने के लिए देव ने अपने पिता को मार डाला और बीमा प्राप्त किया। उन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में अपने पिता की नौकरी भी ली। एक दिन अस्पताल में वह 5 कैंसर रोगियों के एक समूह में शामिल हो गए जो मरने से पहले अपने प्रियजनों के लिए पैसे बचाने के लिए एक डकैती की योजना बना रहे थे। बाद में वह 5 को मारता है और पैसे चुराता है और एक सफल रेस ड्राइवर बनने के अपने जुनून का पालन करता है। रिवेंजर्स ने उसे न्याय दिलाने के लिए उसके खिलाफ साजिश की। वे विवेक से उसका अनुसरण करते हैं और निर्मात इमारत में मनी को पाते हैं। देव को पता चलता है कि उसके पीछे एक गिरोह है और पैसे भी चुरा लेते हैं। वह पेंसिल की पहचान को कम कर देता है और डकैती के बारे में पुलिस को भी सुझाव देता है और इसमें पेंसिल के विवरण भी है। पेंसिल सफलतापूर्वक पैसे को स्थानांतरित कर देता है इससे पहले कि पुलिस ने उसकी जगह पर छापा मारा। हालांकि उनके सदमे में उन्होंने कहा कि पैसे सरस्वती द्वारा चुराया गया था, जो बताता है कि उनके पति जो बैंक के पास एक बुक स्टोर पर काम कर रहे थे, वे डकैती के रात को देव द्वारा मार दिए गए थे। उसने गैंग को विश्वास दिलाया कि उसके पोते की मृत्यु हो गई ताकि वह अपने प्रतिशोध को उचित बना सके। इसने पेंसिल के साथ से पैसे चुराए और इसे अनाथालय के विकास के लिए दान कर दिया और पेंसिल को प्रतिशोध को छोड़ने के अपने फैसले के बारे में बताता है। पीछा करने के दौरान चीनू की चोट के बाद पेंसिल अपने एक नए परिवार की रक्षा करने के लिए बाद के गैरेज में देव को मारता है और इसे कार दुर्घटना के रूप में फ्रेम करता है। जब वह घर लौटता है तो अपने आश्चर्य के लिए गिरोह देव को अपने बदला लेने के लिए मारने की योजना को छोड़ देता है। प्रिया अपने मंगेतर से आगे बढ़ने का फैसला करते हैं और जब उसे पता चलता है कि पेंसिल ने देव को मार डाला तो उसे प्रकट नहीं करने का फैसला करता है। प्रिया और पेंसिल की शादी हो जाती है जहां पेंसिल ने अपने अनुभव को संलग्न करते हुए गैंग लीडर को सफलतापूर्वक प्रकाशित किया। सुकुमार अपने उपन्यास के आधार पर एक फिल्म बनाने के लिए कॉपीराइट के लिए पेंसिल से मिलता है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म 13 सितंबर 2019 को जारी की गई थी जिसे 30 अगस्त 2019 को पूर्व निर्धारित रिलीज की तारीख से पीछे ढकेल दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिकॉर्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है नानीज गैंग लीडर। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। नानीज गैंग लीडर 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। विक्रम कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित, मैत्री फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्मित फिल्म में नानी, कार्तिकेयन, प्रियंका, अरुण मोहन, लक्ष्मी, शरण्यम,
पुनवानंद, श्रीराम रेड्डी और प्राण पी है राव। संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा रचित है। इस फिल्म में 5 महिलाएं अपने प्रियजनों की मौत का बदला लेने के लिए एक अपराध उपन्यासकार की मदद लेती है। फिल्म को 13 सितंबर 2019 को जारी किया गया था, जिसे 30 अगस्त 2019 को पूर्व निर्धारित रिलीज की तारीख से पीछे ढकेल दिया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पेंसिल पार्थसारथी के रूप में हैं नानी और देव के रूप में हैं कार्तिकेया, प्रियंका और उल्मोन के रूप में हैं प्रिया और सरस्वती के रूप में लक्ष्मी। वही वरलक्ष्मी के रूप में शरण्या पूर्णवानंद हमें इस फिल्म में दिखाई देंगी। बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में तो 6 व्यक्तियों ने सफलतापूर्वक की गई कीमत एक बैंक डकैत पूरी की, जिसके बाद एक डाकू बाकी 5 को मारता है और पैसे से भाग जाता है। 5 शोकसंत महिलाएं सरस्वती जिन्होंने अपने पोते को खो दिया, वरलक्ष्मी जिसने अपने बेटे को खो दिया, प्रियम जिसने अपने मंगेतर अविनाश को खो दिया था, स्वाति जिसने अपने बड़े भाई को खो दिया और श्रीनिधि जो अपने पिता को खोने के झटके के कारण मूक बन गई। उन्हें अपने प्रियजनों का बदला लेने के लिए सरस्वती द्वारा एक साथ लाया जाता है। पेंसिल पार्थसारथी एक छोटा समय अपराध उपन्यासकार जो अमेरिकी फिल्म देखता है और स्थानीय तेलुगु उपन्यास में अपने भूखंडों को फिर से लिखता है। उसको 5 महिलाओं द्वारा अपराधी को ट्रैक करने की उम्मीद से संपर्क किया जाता है। पेंसिल शुरू में मना कर देता है, लेकिन एक अच्छा और शायद पहली मूल कहानी को संवेदना उनकी मदद करने के लिए सहमत है। रेंगटेक समूह जो अंततः खुद को रिवेंज के रूप में नामित करता है एक मुख्य संदिग्ध पर संकीर्ण देव है। देव एक एम्बुलेंस ड्राइवर है जो एक F1 रेसर है जो अब भारत में नई सनसनी है। स्पोर्ट्स बाइक खरीदने के लिए देव ने अपने पिता को मार डाला और बीमा प्राप्त किया। उन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में अपने पिता की नौकरी भी ली। एक दिन अस्पताल में वह 5 कैंसर रोगियों के एक समूह में शामिल हो गए जो मरने से पहले अपने प्रियजनों के लिए पैसे बचाने के लिए एक डकैती की योजना बना रहे थे। बाद में वह 5 को मारता है और पैसे चुराता है और एक सफल रेस ड्राइवर बनने के अपने जुनून का पालन करता है। रिवेंजर्स ने उसे न्याय दिलाने के लिए उसके खिलाफ साजिश की। वे विवेक से उसका अनुसरण करते हैं और निर्मात इमारत में मनी को पाते हैं। देव को पता चलता है कि उसके पीछे एक गिरोह है और पैसे भी चुरा लेते हैं। वह पेंसिल की पहचान को कम कर देता है और डकैती के बारे में पुलिस को भी सुझाव देता है और इसमें पेंसिल के विवरण भी है। पेंसिल सफलतापूर्वक पैसे को स्थानांतरित कर देता है इससे पहले कि पुलिस ने उसकी जगह पर छापा मारा। हालांकि उनके सदमे में उन्होंने कहा कि पैसे सरस्वती द्वारा चुराया गया था
जो बताता है कि उनके पति जो बैंक के पास एक बुक स्टोर पर काम कर रहे थे, वे डकैती के रात को देव द्वारा मार दिए गए थे। उसने गैंग को विश्वास दिलाया कि उसके पोते की मृत्यु हो गई ताकि वह अपने प्रतिशोध को उचित बना सके। इसने पेंसिल के साथ से पैसे चुराए और इसे अनाथालय के विकास के लिए दान कर दिया और पेंसिल को प्रतिशोध को छोड़ने के अपने फैसले के बारे में बताता है। पीछा करने के दौरान चीनू की चोट के बाद पेंसिल अपने एक नए परिवार की रक्षा करने के लिए बाद के गैरेज में देव को मारता है और इसे कार दुर्घटना के रूप में फ्रेम करता है। जब वह घर लौटता है तो अपने आश्चर्य के लिए गिरोह देव को अपने बदला लेने के लिए मारने की योजना को छोड़ देता है। प्रिया अपने मंगेतर से आगे बढ़ने का फैसला करती है और जब उसे पता चलता है कि पेंसिल ने देव को मार डाला तो उसे प्रकट नहीं करने का फैसला करता है। प्रिया और पेंसिल की शादी हो जाती है जहां पेंसिल ने अपने अनुभव को संलग्न करते हुए गैंग लीडर को सफलतापूर्वक प्रकाशित किया। सुकुमार अपने उपन्यास के आधार पर एक फिल्म बनाने के लिए कॉपीराइट के लिए पेंसिल से मिलता है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म 13 सितंबर 2019 को जारी की गई थी जिसे 30 अगस्त 2019 को पूर्व निर्धारित रिलीज की तारीख से पीछे ढकेल दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिकॉर्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है नानीज गैंग लीडर। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूँगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। नानीज गैंग लीडर 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। विक्रम कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित, मैत्री फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्मित फिल्म में नानी, कार्तिकेयम, प्रियंका, अरुण मोहन, लक्ष्मी, शरण्यम, पूनमानंद, श्रीराम रेड्डी और प्राण पी है राव। संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा रचित है। इस फिल्म में 5 महिलाएं अपने प्रियजनों की मौत का बदला लेने के लिए एक अपराध उपन्यासकार की मदद लेती है। फिल्म को 13 सितंबर 2019 को जारी किया गया था जिसे 30 अगस्त 2019 को पूर्व निर्धारित रिलीज की तारीख से पीछे ढकेल दिया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पेंसिल पार्थ सारथी के रूप में है नानी और देव के रूप में है कार्तिकेया, प्रियंका अरुण मोहन के रूप में है प्रिया और सरस्वती के रूप में लक्ष्मी, वही वरलक्ष्मी के रूप में शरण्या पूनवानंद हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में तो 6 व्यक्तियों ने सफलतापूर्वक की गई कीमत एक बैंक डकैत पूरी की जिसके बाद एक डाकू बाकी 5 को मारता है और पैसे से भाग जाता है। 5 शोकसंत महिलाएं सरस्वती जिन्होंने अपने पोते को खो दिया, वरलक्ष्मी जिसने अपने बेटे को खो दिया, प्रियम जिसने अपने मंगेतर अविनाश को खो दिया था, स्वाति जिसने अपने बड़े भाई को खो दिया और श्रीनिधि जो अपने पिता को खोने के झटके के कारण मूक बन गई। उन्हें अपने प्रियजनों का बदला लेने के लिए सरस्वती द्वारा एक साथ लाया जाता है। पेंसिल पार्थ सारथी एक छोटा समय अपराध उपन्यासकार
जो अमेरिकी फिल्मों देखता है और स्थानीय तेलुगु उपन्यास में अपने भूखंडों को फिर से लिखता है। उसको 5 महिलाओं द्वारा अपराधी को ट्रैक करने की उम्मीद से संपर्क किया जाता है। पेंसिल शुरू में मना कर देता है, लेकिन एक अच्छा और शायद पहली मूल कहानी को संवेदना उनकी मदद करने के लिए सहमत है। रेंगटेक समूह जो अंततः खुद को रिवेंज के रूप में नामित करता है, एक मुख्य संदिग्ध पर संकीर्ण देव है। देव एक एम्बुलेंस ड्राइवर है जो एक F1 रेसर है जो अब भारत में नई सनसनी है। स्पोर्ट्स बाइक खरीदने के लिए देव ने अपने पिता को मार डाला और बीमा प्राप्त किया। उन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में अपने पिता की नौकरी भी ली। एक दिन अस्पताल में वह 5 कैंसर रोगियों के एक समूह में शामिल हो गए जो मरने से पहले अपने प्रियजनों के लिए पैसे बचाने के लिए एक डकैती की योजना बना रहे थे। बाद में वह 5 को मारता है और पैसे चुराता है और एक सफल रेस ड्राइवर बनने के अपने जुनून का पालन करता है। रिवेंजर्स ने उसे न्याय दिलाने के लिए उसके खिलाफ साजिश की। वे विवेक से उसका अनुसरण करते हैं और निर्मात इमारत में मनी को पाते हैं। देव को पता चलता है कि उसके पीछे एक गिरोह है और पैसे भी चुरा लेते हैं। वह पेंसिल की पहचान को कम कर देता है और डकैती के बारे में पुलिस को भी सुझाव देता है और इसमें पेंसिल के विवरण भी है। पेंसिल सफलतापूर्वक पैसे को स्थानांतरित कर देता है इससे पहले कि पुलिस ने उसकी जगह पर छापा मारा। हालांकि उनके सदमे में उन्होंने कहा कि पैसे सरस्वती द्वारा चुराया गया था, जो बताता है कि उनके पति जो बैंक के पास एक बुक स्टोर पर काम कर रहे थे, वे डकैती के रात को देव द्वारा मार दिए गए थे। उसने गैंग को विश्वास दिलाया कि उसके पोते की मृत्यु हो गई ताकि वह अपने प्रतिशोध को उचित बना सके। इसने पेंसिल के साथ से पैसे चुराए और इसे अनाथालय के विकास के लिए दान कर दिया और पेंसिल को प्रतिशोध को छोड़ने के अपने फैसले के बारे में बताता है। पीछा करने के दौरान चीनू की चोट के बाद पेंसिल अपने एक नए परिवार की रक्षा करने के लिए बाद के गैरेज में देव को मारता है और इसे कार दुर्घटना के रूप में फ्रेम करता है। जब वह घर लौटता है तो अपने आश्चर्य के लिए गिरोह देव को अपने बदला लेने के लिए मारने की योजना को छोड़ देता है। प्रिया अपने मंगेतर से आगे बढ़ने का फैसला करती है और जब उसे पता चलता है कि पेंसिल ने देव को मार डाला तो उसे प्रकट नहीं करने का फैसला करता है। प्रिया और पेंसिल की शादी हो जाती है, जहां पेंसिल ने अपने अनुभव को संलग्न करते हुए गैंग लीडर को सफलतापूर्वक प्रकाशित किया। सुकुमार अपने उपन्यास के आधार पर एक फिल्म बनाने के लिए कॉपीराइट के लिए पेंसिल से मिलता है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म 13 सितंबर 2019 को जारी की गई थी, जिसे 30 अगस्त 2019 को पूर्व निर्धारित रिलीज की तारीख से पीछे ढकेल दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिकॉर्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है नानीज गैंग लीडर। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। नानीज गैंग लीडर 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। विक्रम कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित, मैत्री फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्मित। फिल्म में नानी, कार्तिक कैम, प्रियंका, अरुल मोहन, लक्ष्मी, शरण्यम, पूर्णानंद, श्रीराम रेड्डी और प्राण पी है राव। संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा रचित है। इस फिल्म में 5 महिलाएं अपने प्रियजनों की मौत का बदला लेने के लिए एक अपराध उपन्यासकार की मदद लेती है। फिल्म को 13 सितंबर 2019 को जारी किया गया था, जिसे 30 अगस्त 2019 को पूर्व निर्धारित रिलीज की तारीख से पीछे ढकेल दिया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पेंसिल पार्थ सारथी के रूप में हैं नानी और देव के रूप में हैं कार्तिकेया। प्रियंका अरुल मोहन के रूप में हैं प्रिया और सरस्वती के रूप में लक्ष्मी। वही वरलक्ष्मी के रूप में शरण्या पूर्णानंद हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में तो 6 व्यक्तियों ने सफलतापूर्वक की गई कीमत एक बैंक डकैत पूरी की, जिसके बाद एक डाकू बाकी 5 को मारता है और पैसे से भाग जाता है। 5 शोकसंत महिलाएं सरस्वती जिन्होंने अपने पोते को खो दिया, वरलक्ष्मी जिसने अपने बेटे को खो दिया, प्रियम जिसने अपने मंगेतर अविनाश को खो दिया था, स्वाति जिसने अपने बड़े भाई को खो दिया, और श्रीनिधि जो अपने पिता को खोने के झटके के कारण मूक बन गई। उन्हें अपने प्रियजनों का बदला लेने के लिए सरस्वती द्वारा एक साथ लाया जाता है। पेंसिल पार्थ सारथी एक छोटा समय अपराध उपन्यासकार जो अमेरिकी फिल्म देखता है और स्थानीय तेलुगु उपन्यास में अपने भूखंडों को फिर से लिखता है। उसको 5 महिलाओं द्वारा अपराधी को ट्रैक करने की उम्मीद से संपर्क किया जाता है। पेंसिल शुरू में मना कर देता है, लेकिन एक अच्छा और शायद पहली मूल कहानी को संवेदना उनकी मदद करने के लिए सहमत है। रेंगटेक समूह जो अंततः खुद को रिवेंग्स के रूप में नामित करता है एक मुख्य संदिग्ध पर संकीर्ण देव है। देव एक एम्बुलेंस ड्राइवर है जो एक F1 रेसर है जो अब भारत में नई सनसनी है। स्पोर्ट्स बाइक खरीदने के लिए देव ने अपने पिता को मार डाला और बीमा प्राप्त किया। उन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में अपने पिता की नौकरी भी ली। एक दिन अस्पताल में वह 5 कैंसर रोगियों के एक समूह में शामिल हो गए जो मरने से पहले अपने प्रियजनों के लिए पैसे बचाने के लिए एक डकैती की योजना बना रहे थे। बाद में वह 5 को मारता है और पैसे चुराता है और एक सफल रेस ड्राइवर बनने के अपने जुनून का पालन करता है। रिवेंजर्स ने उसे न्याय दिलाने के लिए उसके खिलाफ साजिश की। वे विवेक से उसका अनुसरण करते हैं और निर्मात इमारत में मनी को पाते हैं। देव को पता चलता है कि
उसके पीछे एक गिरोह है और पैसे भी चुरा लेते हैं। वह पेंसिल की पहचान को कम कर देता है और डकैती के बारे में पुलिस को भी सुझाव देता है और इसमें पेंसिल के विवरण भी है। पेंसिल सफलतापूर्वक पैसे को स्थानांतरित कर देता है इससे पहले कि पुलिस ने उसकी जगह पर छापा मारा। हालांकि उनके सदमे में उन्होंने कहा कि पैसे सरस्वती द्वारा चुराया गया था, जो बताता है कि उनके पति जो बैंक के पास एक बुक स्टोर पर काम कर रहे थे, वे डकैती के रात को देव द्वारा मार दिए गए थे। उसने गैंग को विश्वास दिलाया कि उसके पोते की मृत्यु हो गई ताकि वह अपने प्रतिशोध को उचित बना सके। इसने पेंसिल के साथ से पैसे चुराए और इसे अनाथालय के विकास के लिए दान कर दिया और पेंसिल को प्रतिशोध को छोड़ने के अपने फैसले के बारे में बताता है। पीछा करने के दौरान चिनू की चोट के बाद पेंसिल अपने एक नए परिवार की रक्षा करने के लिए बाद के गैरेज में देव को मारता है और इसे कार दुर्घटना के रूप में फ्रेम करता है। जब वह घर लौटता है तो अपने आश्चर्य के लिए गिरोह देव को अपने बदला लेने के लिए मारने की योजना को छोड़ देता है। प्रिया अपने मंगेतर से आगे बढ़ने का फैसला करती है और जब उसे पता चलता है कि पेंसिल ने देव को मार डाला तो उसे प्रकट नहीं करने का फैसला करता है। प्रिया और पेंसिल की शादी हो जाती है जहां पेंसिल ने अपने अनुभव को संलग्न करते हुए गैंग लीडर को सफलतापूर्वक प्रकाशित किया। सुकुमार अपने उपन्यास के आधार पर एक फिल्म बनाने के लिए कॉपीराइट के लिए पेंसिल से मिलता है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म 13 सितंबर 2019 को जारी की गई थी, जिसे 30 अगस्त 2019 को पूर्व निर्धारित रिलीज की तारीख से पीछे ढकेल दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिकॉर्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है नानीज गैंग लीडर। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। नानीज गैंग लीडर 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। विक्रम कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित, मैत्री फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्मित फिल्म में नानी, कार्तिकेयन, प्रियंका, अरुल मोहन, लक्ष्मी, शरण्यम, पुनवानंद, श्रीराम रेड्डी और प्राण पी है राव। संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा रचित है। इस फिल्म में 5 महिलाएं अपने प्रियजनों की मौत का बदला लेने के लिए एक अपराध उपन्यासकार की मदद लेती है। फिल्म को 13 सितंबर 2019 को जारी किया गया था, जिसे 30 अगस्त 2019 को पूर्व निर्धारित रिलीज की तारीख से पीछे ढकेल दिया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पेंसिल पार्थ सारथी के रूप में हैं नानी और देव के रूप में हैं कार्तिकेया, प्रियंका अरुल मोहन के रूप में हैं प्रिया और सरस्वती के रूप में लक्ष्मी, वही वरलक्ष्मी के रूप में शरण्या पुनवानंद हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में तो 6 व्यक्तियों ने सफलतापूर्वक की गई कीमत एक बैंक डकैत पूरी की, जिसके बाद एक डाकू बाकी 5 को मारता है और पैसे से भाग जाता है। 5 शोकसंत महिलाएं सरस्वती जिन्होंने अपने पोते को खो दिया
वरलक्ष्मी जिसने अपने बेटे को खो दिया, प्रियम जिसने अपने मंगेतर अविनाश को खो दिया था, स्वाति जिसने अपने बड़े भाई को खो दिया, और श्रीनिधि जो अपने पिता को खोने के झटके के कारण मूक बन गई। उन्होंने अपने प्रियजनों का बदला लेने के लिए सरस्वती द्वारा एक साथ लाया जाता है। पेंसिल पार्थसारथी एक छोटा समय अपराध उपन्यासकार जो अमेरिकी फिल्म देखता है और स्थानीय तेलुगु उपन्यास में अपने भूखंडों को फिर से लिखता है। उसको पांच महिलाओं द्वारा अपराधी को ट्रैक करने की उम्मीद से संपर्क किया जाता है। पेंसिल शुरू में मना कर देता है, लेकिन एक अच्छा और शायद पहली मूल कहानी को संवेदना उनकी मदद करने के लिए सहमत है। रेंगटेक समूह जो अंततः खुद को रिवेंज के रूप में नामित करता है, एक मुख्य संदिग्ध पर संकीर्ण देव है। देव एक एम्बुलेंस ड्राइवर है जो एक F1 रेसर है जो अब भारत में नई सनसनी है। स्पोर्ट्स बाइक खरीदने के लिए देव ने अपने पिता को मार डाला और बीमा प्राप्त किया। उन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में अपने पिता की नौकरी भी ली। एक दिन अस्पताल में वह पांच कैंसर रोगियों के एक समूह में शामिल हो गए जो मरने से पहले अपने प्रियजनों के लिए पैसे बचाने के लिए एक डकैती की योजना बना रहे थे। बाद में वह पांचों को मारता है और पैसे चुराता है और एक सफल रेस ड्राइवर बनने के अपने जुनून का पालन करता है। रिवेंजर्स ने उसे न्याय दिलाने के लिए उसके खिलाफ साजिश की। वे विवेक से उसका अनुसरण करते हैं और निर्मात इमारत में मनी को पाते हैं। देव को पता चलता है कि उसके पीछे एक गिरोह है और पैसे भी चुरा लेते हैं। वह पेंसिल की पहचान को कम कर देता है और डकैती के बारे में पुलिस को भी सुझाव देता है, और इसमें पेंसिल के विवरण भी है। पेंसिल सफलतापूर्वक पैसे को स्थानांतरित कर देता है इससे पहले कि पुलिस ने उसकी जगह पर छापा मारा। हालांकि उनके सदमे में उन्होंने कहा कि पैसे सरस्वती द्वारा चुराया गया था, जो बताता है कि उनके पति जो बैंक के पास एक बुक स्टोर पर काम कर रहे थे, वे डकैती के रात को देव द्वारा मार दिए गए थे। उसने गैंग को विश्वास दिलाया कि उसके पोते की मृत्यु हो गई ताकि वह अपने प्रतिशोध को उचित बना सके। इसने पेंसिल के साथ से पैसे चुराए और इसे अनाथालय के विकास के लिए दान कर दिया और पेंसिल को प्रतिशोध को छोड़ने के अपने फैसले के बारे में बताता है। पीछा करने के दौरान चीनू की चोट के बाद पेंसिल अपने एक नए परिवार की रक्षा करने के लिए बाद के गैरेज में देव को मारता है और इसे कार दुर्घटना के रूप में फ्रेम करता है। जब वह घर लौटता है तो अपने आश्चर्य के लिए गिरोह देव को अपने बदला लेने के लिए मारने की योजना को छोड़ देता है। प्रिया अपने मंगेतर से आगे बढ़ने का फैसला करते हैं और जब उसे पता चलता है कि पेंसिल ने देव को मार डाला तो उसे प्रकट नहीं करने का फैसला करता है। प्रिया और पेंसिल की शादी हो जाती है, जहां पेंसिल ने अपने अनुभव को
संलग्न करते हुए गैंग लीडर को सफलतापूर्वक प्रकाशित किया। सुकुमार अपने उपन्यास के आधार पर एक फिल्म बनाने के लिए कॉपीराइट के लिए पिंसिल से मिलता है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म 13 सितंबर 2019 को जारी की गई थी, जिसे 30 अगस्त 2019 को पूर्व निर्धारित रिलीज की तारीख से पीछे ढकेल दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम जिस फिल्म की रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उसका नाम है नानीज गैंग लीडर। इस फिल्म से जुड़ी जितनी भी रोचक बातें हैं वो भी शेयर करूंगा। तो आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। नानीज गैंग लीडर 2019 की भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है। विक्रम कुमार द्वारा लिखित और निर्देशित, मैत्री फिल्म निर्माताओं द्वारा निर्मित फिल्म में नानी, कार्तिकेयम, प्रियंका, अरुण मोहन, लक्ष्मी, शरण्यम, पूर्णमानंद, श्रीराम रेड्डी और प्राण पी है राव। संगीत अनिरुद्ध रविचंद्र द्वारा रचित है। इस फिल्म में 5 महिलाएं अपने प्रियजनों की मौत का बदला लेने के लिए एक अपराध उपन्यासकार की मदद लेती है। फिल्म को 13 सितंबर 2019 को जारी किया गया था, जिसे 30 अगस्त 2019 को पूर्व निर्धारित रिलीज की तारीख से पीछे ढकेल दिया गया था। इसे आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली थी। बात करें मूवी के कास्ट के बारे में तो पेंसिल पार्थ सारथी के रूप में हैं नानी और देव के रूप में हैं कार्तिकेया, प्रियंका और उल्मोहन के रूप में हैं प्रिया और सरस्वती के रूप में लक्ष्मी। वही वरलक्ष्मी के रूप में शरण्या, पूर्णवानंद हमें इस फिल्म में दिखाई देंगे। बात करें मूवी की स्टोरी के बारे में तो 6 व्यक्तियों ने सफलतापूर्वक की गई कीमत एक बैंक डकैत पूरी की, जिसके बाद एक डाकू बाकी 5 को मारता है और पैसे से भाग जाता है। 5 शोकसंत महिलाएं सरस्वती जिन्होंने अपने पोते को खो दिया, वरलक्ष्मी जिसने अपने बेटे को खो दिया, प्रियम जिसने अपने मंगेतर अविनाश को खो दिया था, स्वाति जिसने अपने बड़े भाई को खो दिया, और श्रीनिधि जो अपने पिता को खोने के झटके के कारण मूक बन गई। उन्हें अपने प्रियजनों का बदला लेने के लिए सरस्वती द्वारा एक साथ लाया जाता है। पेंसिल पार्थ सारथी एक छोटा समय अपराध उपन्यासकार जो अमेरिकी फिल्म देखता है और स्थानीय तेलुगु उपन्यास में अपने भूखंडों को फिर से लिखता है। उसको 5 महिलाओं द्वारा अपराधी को ट्रैक करने की उम्मीद से संपर्क किया जाता है। पेंसिल शुरू में मना कर देता है, लेकिन एक अच्छा और शायद पहली मूल कहानी को संवेदना उनकी मदद करने के लिए सहमत है। रेंगटेक समूह जो अंततः खुद को रिवेंज के रूप में नामित करता है एक मुख्य संदिग्ध पर संकीर्ण देव है। देव एक एम्बुलेंस ड्राइवर है जो एक F1 रेसर है जो अब भारत में नई सनसनी है। स्पोर्ट्स बाइक खरीदने के लिए देव ने अपने पिता को मार डाला और बीमा प्राप्त किया। उन्होंने एम्बुलेंस ड्राइवर के रूप में अपने पिता की नौकरी भी ली। एक दिन अस्पताल में वह 5 कैंसर रोगियों के एक समूह में शामिल हो गए जो मरने से पहले अपने प्रियजनों के लिए
पैसे बचाने के लिए एक डकैती की योजना बना रहे थे। बाद में वह पांचों को मारता है और पैसे चुराता है और एक सफल रेस ड्राइवर बनने के अपने जुनून का पालन करता है। रिवेंजर्स ने उसे न्याय दिलाने के लिए उसके खिलाफ साजिश की। वे विवेक से उसका अनुसरण करते हैं और निर्मात इमारत में मनी को पाते हैं। देव को पता चलता है कि उसके पीछे एक गिरोह है और पैसे भी चुरा लेते हैं। वह पेंसिल की पहचान को कम कर देता है और डकैती के बारे में पुलिस को भी सुझाव देता है और इसमें पेंसिल के विवरण भी है। पेंसिल सफलतापूर्वक पैसे को स्थानांतरित कर देता है इससे पहले कि पुलिस ने उसकी जगह पर छापा मारा। हालांकि उनके सदमे में उन्होंने कहा कि पैसे सरस्वती द्वारा चुराया गया था, जो बताता है कि उनके पति जो बैंक के पास एक बुक स्टोर पर काम कर रहे थे, वे डकैती के रात को देव द्वारा मार दिए गए थे। उसने गैंग को विश्वास दिलाया कि उसके पोते की मृत्यु हो गई ताकि वह अपने प्रतिशोध को उचित बना सके। इसने पेंसिल के साथ से पैसे चुराए और इसे अनाथालय के विकास के लिए दान कर दिया और पेंसिल को प्रतिशोध को छोड़ने के अपने फैसले के बारे में बताता है। पीछा करने के दौरान चीनू की चोट के बाद पेंसिल अपने एक नए परिवार की रक्षा करने के लिए बाद के गैरेज में देव को मारता है और इसे कार दुर्घटना के रूप में फ्रेम करता है। जब वह घर लौटता है तो अपने आश्चर्य के लिए गिरोह देव को अपने बदला लेने के लिए मारने की योजना को छोड़ देता है। प्रिया अपने मंगेतर से आगे बढ़ने का फैसला करती है और जब उसे पता चलता है कि पेंसिल ने देव को मार डाला तो उसे प्रकट नहीं करने का फैसला करता है। प्रिया और पेंसिल की शादी हो जाती है जहां पेंसिल ने अपने अनुभव को संलग्न करते हुए गैंग लीडर को सफलतापूर्वक प्रकाशित किया। सुकुमार अपने उपन्यास के आधार पर एक फिल्म बनाने के लिए कॉपीराइट के लिए पेंसिल से मिलता है। वही बात करें मूवी के रिलीज के बारे में तो फिल्म 13 सितंबर 2019 को जारी की गई थी जिसे 30 अगस्त 2019 को पूर्व निर्धारित रिलीज की तारीख से पीछे ढकेल दिया गया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।